विजिबल और नॉट एवरी वन कैसे हो का हाल चाल बधिया जिंदगी में बाहरें आ रही है नीट की कहाँ है तुम लोगों का YouTube वीडियो नहीं मिल पा रहा है मुझे कहाँ है रुको एक बार चैट में लिखो तो आवाज आ रही है क्या सही मिल गई हाय हाय एवरीवन मिल गई हाय सो so, uh, तुम लोग पढ़ने आए हो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एक ऐसा चैप्टर जिससे सात क्वेश्चन आए थे 2021 में एक्चुअली 2021 का पेपर ना मैंने इस तरीके से जब एनालिसिस किया ना कि किस क्वेश्चन चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं ये चीज़ देख के हैरान रह गई कि इस चैप्टर से सात क्वेश्चन आए हुए हैं इतने ईजी चैप्टर से और सारे एन से आए हुए हैं बाहर से कुछ आया नहीं हुआ तो फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं यही चैप्टर पहले कराऊँ इससे ज़्यादा सिर्फ़ एक चैप्टर में आए हुए हैं वो है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जिससे नौ क्वेश्चन आए थे हे भगवान नाइन फोर जा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स मार्क्स का पेपर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आया था मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्रैश कोर्स तो मैं तुम लोगों को कराऊंगी साथ में मैं उसको डिटेल में भी कराऊंगी प्लस पे वैसे मैं प्लस पे एक बार करा चुकी हूँ दो हज़ार बाईस वाले बच्चों को बट दोबारा से डिटेल में कराने का मन कर रहा है एवोल्यूशन और जेनेटिक्स क्योंकि मुझे लगता है भूल जाते हो तुम लोग चैप्टर ना सो आई विल डू इट और अब तो तुम प्लस ज्वाइन कर सकते हो भैया कितना दो सौ सत्तर में टू सिक्सटी नाइन रुपीज़ में ऐसे कहाँ होता है जैसा हो गया टू सिक्सटी नाइन रुपीज़ में तुम्हें प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है फोर्टी फाइव डेज के लिए ताकि तुम प्लस का प्लेटफॉर्म जो यू नो यू कैन एक्सपीरियंस इट एंड नो नीट दो हज़ार बाईस के जितने क्रैश कोर्सेस चल रहे हैं सभी टीचर्स की क्लासेस तुम एक्सेस कर सकते हो इसमें ना सिर्फ मेरी सभी टीचर्स की क्लासेस एक्सेस कर सकते हो तुम इस ऑफर के साथ ठीक है एंड आई थिंक तुम रिकॉर्डेड सेशन भी एक्सेस कर सकते हो ये मुझे चेक करना पड़ेगा रिकॉर्डेड सेशन वाला आई थिंक तुम लोग एक्सेस कर सकते हो यूज करो आर आई टी यू कोड आर आई टी यू टू ज्वाइन भैया ले लो तुम क्या है तीन सौ रुपये तो तुम पिज़्ज़ा खाया हो 45 डेज के लिए तुम्हें प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है अपनी नीट की तैयारी के लिए तुम क्या तुम, तुम दो सौ रुपया नहीं खर्च करोगे हम्म चलो शुरू करते हैं अगर सब्सक्रिप्शन लेने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कोड यूज करेंगे नहीं कोड नहीं आप हेल्पलाइन यूज करेंगे वो वाली जो मेरे पास अभी तो नंबर है नीरुपजो मैं देखती हूँ नंबर है क्या ना हेल्पलाइन नंबर तो नहीं है कोई नहीं किसी और पीपीटी में मिल जाएगा सेवन टू वाला जो नंबर है उस पर कॉल कर लो ठीक है चलो शुरू करते हैं सुनो बायोटेक्नोलॉजी में जब यह चैप्टर शुरू होता है अच्छा ये मैं तुम्हें एनसीआर लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी ठीक है कोशिश करूंगी पढ़ा दो पहले यहां से पढ़ने की कोशिश करते हैं मेरे नोट्स से जब ये चैप्टर शुरू होता है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आती है ठीक है अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है पहली बात तो ई का फुल फॉर्म कर लेना हालांकि एज अ नीट में तो नहीं आया अभी तक कि ई एफ बी की डेफिने वो क्या है फुल फॉर्म क्या है बट जो मैं तुम लोगों का टेस्ट लूँगी ना उसमें मैं ज़रूर बनाऊँगी टेस्ट मैंने जैसे कि कहा कल 10 बजे मैं रखूंगी अभी मैंने रखा नहीं है तो अब मुश्किल क्वेश्चन बनाने में टाइम भी तो लगता है ना दिमाग भी तो खर्च होता है ना तो अभी तुम्हारी क्लास लेके क्वेश्चन बनाऊँगी उसमें लगेगा मेरा तीन चार घंटा फिर वो मैं कल सुबह दस बजे होपफुली तुम्हारे से टेस्ट ले लूंगी मैं अगर नहीं हो पाया तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी कि भैया टेस्ट थोड़ा लेट होगा या कल की जगह परसों होगा बट मोस्ट पेबली कल हो जाएगा टेन ए एम पे तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आ, जब मैं क्लास बना लूंगी ए, स्पेशल क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है आपको कोई पैसा नहीं देना होता उस क्लास का ठीक है बस उस लिंक पे क्लिक करना आप पहुँच जाओगे तो आपको पता भी चल जाएगा इस चैप्टर में से आपको क्या आता है क्या नहीं आता अच्छा प्लस पे ट्वेंटी मंडे से मेरा नया कोर्स शुरू हो रहा है जिसमें मैं एम के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तुम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करूंगी मुझे ना अपनी स्टूडेंट का फ़ोन आया था उसका एडमिशन हो गया प्रतिभा पांडे था स्टूडेंट का नाम उसका एडमिशन हो गया रतलाम मेडिकल कॉलेज में तो उसने फ़ोन किया कि मैम आपसे पढ़ी मैं आपने पढ़ाया इतना हेल्प किया और कि मैम जब मैं मेडिकल कॉलेज में गई तो बहुत बच्चे आपसे पढ़ के आए मैंने कहा अच्छा तो तूने मैंने कहा तूने एक साल जब एक और ड्रॉप लिया सेकेंड ड्रॉप लिया था आई थिंक उसने तो मैंने कहा तूने क्या अलग किया तो कहती मैम मैंने एक चीज़ करी जो मैंने पहले नहीं करी थी आपने मुझे बोला था पर मैंने की नहीं थी कि हर चैप्टर बायोलॉजी का जब चैप्टर करो चैप्टर करते ही उसके क्वेश्चन कर दो सौ डेढ़ सौ क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन कर देते तो वो चैप्टर आपका पक्का हो जाता कहती मैंने फर्स्ट ड्रॉप जब लिया तो मैंने ये चीज़ करी नहीं तो मैंने आपसे पढ़ा था फर्स्ट ड्रॉप में भी लेकिन मेरे नंबर आए 295 बिकॉज ऑफ दैट क्योंकि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी और ये मैं तुम्हें दस बार बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नंबर नहीं आएंगे कर लो तुम मेरी सारी सीरीज़ पढ़ लो तो भी तीन से ज़्यादा क्रॉस नहीं करोगे मैं मैं ये खुद ही बोल रही हूँ नहीं आएंगे तीन सौ ज़्यादा आ ही नहीं सकते क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना हो गए तो।, तो कहती फिर मैम मैंने वो बुक्स लेके मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से अगली बार मेरे थ्री फोर्टी एट मार्क्स आए जिस टाइम पे उसको वो मिला एडमिशन मिला तो फिर मैंने सोचा कि यार बच्चे खुद तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते नहीं तो वो एक ड्रॉप लेके दूसरा ड्रॉप ले इससे अच्छा मैं ही क्वेश्चन प्रैक्टिस उनको एम हालांकि मैं तो टेस्ट कराती हूँ स्पेशल क्लासेस पे पर मैं सोच रही सोचूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ तो एम के लिए मैंने एक सीरीज निकाली है वो मंडे से शुरू हो जाएगी रोज़ साढ़े बजे तुम लोगों को मैं हंड्रेड क्वेश्चन के अराउंड कराऊंगी ठीक है तो ढाई सौ रुपये में तुम लोगों को सीरीज मिल रहा है सब कुछ मिल रहा है ना तो सब्सक्रिप्शन ले लो अभी जाके कोड रितु यूज़ करके आर आई टी हो सो ई एफ बी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसिस एंड ऑर्गेनिजम्स सेल्स पार्ट्स देर ऑफ़ एंड मॉलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बड़ी अजीब सी डेफिनेशन है पर वर्ड टू वर्ड लर्न करनी है कि ह्यूमंस के फ़ायदे के लिए ह्यूमंस को प्रोडक्ट्स देने के लिए और ह्यूमंस को सर्विस देने के लिए हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया जोड़ कर दिया किसका जोड़ कर दिया नैचुरल साइंसिस का जोड़ कर दिया एंड ऑर्गेनिजम्स का जोड़ कर दिया ठीक है ऑर्गेनिज्म चाहे ऑर्गेनिज्म के सेल्स हो चाहे ऑर्गेनिज्म के सेल्स के पार्ट्स हो चाहे ऑर्गेनिज्म के सेल का कोई इंजाइम हो या उनका मॉलिक्यूलर एनालॉग हो मॉलिक्युलर एनालॉग होता है जैसे कोई चीज़ है कोई केमिकल है वो तुम लैब में बना लो सेम इफेक्ट देने वाली चीज ठीक है तो उसका मॉलिक्यूलर एनालॉग हो गया कोई एंजाइम है उसी को तुम लैब में बना लो केमिकली सिंथेटिकली बना लो तो उसका मॉलिकुलर एनालॉग हो गया तो इन सब को मिला के बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है जो कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दी है ई ने दी है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है इससे भी क्वेश्चन बनाऊंगी ठीक है एग्जाम अपने तुम्हारे टेस्ट में हालांकि नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि बताओ दो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ डी एन इंट्रोड्यूस इट इंटू होस्ट ऑर्गेनिजम जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है एक डी एन ए या आर एन ए ले लो किसी और ऑर्गेनिज्म का और उसको किसी और ऑर्गेनिज्म के सेल में डाल दो बेसिकली ठीक है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है मान लो ह्यूमन के सेल में कुत्ते का जीन डाल दो डॉग का जीन डाल दो फॉर एग्जाम्पल ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है हालांकि इसको डायरेक्ट नहीं डालते जनरली इसको किसके थ्रू डालते हैं वैक्टर के थ्रू डालते हैं वेक्टर एक और पीस ऑफ जेनेटिक मेटीरियल होता है डीएनए होता है जनरली जिसके थ्रू हम इसको डाला जाता है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है सो so ये फर्स्ट प्रिंसिपल है सेकेंड इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स अब जैसे मैंने ये ह्यूमन सेल लिया जल्दी ह्यूमन सेल को तो हम मॉडिफाई करते हैं ह्यूमन सेल मॉडिफिकेशन तो हम आ, ये उसमें देखते हैं कौन सा था वो डेफिशिएंसी वाला जीन थेरेपी में देखते हैं जनरली तो हम माइक्रोब्स को मॉडिफाई करते हैं तो मान लो मैंने यहां पे ई e. कोलाई को मॉडिफाई कर दिया मैंने ई e. कोलाई को मॉडिफाई कर दिया यहाँ से कोई भी फॉरेन सेल मैंने कोलाई e. के अंदर डाल दिया विद द हेल्प ऑफ वेक्टर तो ये रिकॉम्बिनेंट हो गया अब इसको मैं उगाऊंगी ग्रो भी तो करूंगी बायो रिएक्टर में बायो रिएक्टर एक कंटेनर है जिसमें मैं बहुत सारे इकोलाई e. उगाऊंगी ये वाले रिकॉम्बिनेंट इकोलाई उगाऊंगी है ना क्यों उगा रही हूँ मैं ये इकोलाई e. में क्यों उगा रही हूँ यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट इकोलाई दो रीजन हो सकते हैं या तो मेरा ये जीन मुझे क्लोन करना है ये जीन जो अंदर गया है ये मैं वेक्टर के साथ डाल रही हूँ जीन मान लो ये वेक्टर है प्लाजे है मान लो प्लाज्मेट के साथ ये जीन डाल रहे हो ना जीन डायरेक्टली डलता नहीं डलता है लेकिन जनरली वेक्टर के साथ डलता है डायरेक्ट ट्रांसफर भी होता है बट रेयरली होता है तो या तो मुझे इसकी कॉपीज बनानी है तो जैसे जैसे सेल रेप्लीकेट करेगा मेरे जीन की भी कॉपी बनेगी ठीक है या मुझे इससे मुझे इस जीन से कोई प्रोटीन बनाना है कोई प्रोटीन बनाना है एक्सप्रेशन कराना है मुझे जीन का तो भैया प्रोटीन एक सेल से बना के मैं क्या करूंगी बहुत सारे हजारों हजारों सेल्स बनेंगे करोड़ों करोड़ों सेल उनसे ही तो मैं अपना प्रोटीन डिराइव ना ना है उसके लिए मुझे बड़े बड़े कंटेनर्स रखने होते हैं जिनको बायो रिएक्टर्स कहते हैं बायोरिएक्टिव कहते हैं तो भैया सिर्फ मेरे इकोलाई की ग्रोथ होनी चाहिए रिकॉम्बिनेंट इकोलाई की यहाँ पे कोई और फालतू बैक्टीरिया ना ग्रो करे सेल्मोनीला ना ग्रो कर जाए है ना कोई और ना ग्रो कर जाए तो उसके लिए मुझे स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन करनी होती है सो सेकेंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इज रिलेटेड टू दैट मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स ये दो आपके वो हो गए क्या बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आ गया कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहाँ बना था रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है किसी दो ऑर्गेनिजम्स का डीएनए जोड़ दो तो उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह देते हैं रिकॉम्बिनेंट दो चीजों को कंबाइन कर दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहला एक्सपेरिमेंट था इस पर मैं क्वेश्चन डालूंगी तुम लोगों को अभी तुम देखो टेस्ट में नाइनटीन में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था ईयर याद रखना है किसने किया था स्टैनले कोहेन नाम के साइंटिस्ट ने एंड हर्बर्ट बॉयर नाम के साइंटिस्ट ने दो साइंटिस्ट थे नाम याद रखना है स्टैनले कोहेन हर्बर्ट बॉयर ठीक है इन्होंने क्या किया सेलमोनीला टाइफी का प्लाज्म निकाल लिया सेलमोनीला टाइफी का नेटिव प्लाज्म निकाल लिया ये प्लाज्मिट है अच्छा प्लाज्मिट की तुम लोगों को प्रॉपर्टीज़ पता होने चाहिए ये क्वेश्चन आता है नीट में डी डीएनए होता है पहली बात तो इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डी एन है क्रोमोजोम अलग है जैसे मान लो सेलमोनल टाइफी है तो इसका क्रोमोजोम अलग पड़ा हुआ है ये सर्कुलर क्रोमोजोम होता है ना किस किस को नहीं पता कि माइक्रोब्स में सर्कुलर क्रोमोजोम होता है कौन है शहनशाह यहाँ के क्रोमोजोमल डीएनए दिस इज क्रोमोजोमल डीएनए प्लाजमेट हमेशा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल रहेगा क्रोमोजोम से रिलेटेड नहीं है ठीक है नॉन असेंशियल जीन कैरी करेगा ऐसा नहीं कि प्लाज्मिड निकाल देंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा इट इज डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड कोर्स सिंगल स्टैंड डीएनए है नहीं इट इज डबल स्ट्रांडेड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल

उसके बीच से किसी साइड पे काटेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस बीच में से ठीक है बिल्कुल सेंटर में से नहीं इसी में कोई कहीं पे काटेंगे कभी एंड से न्यूक्लियोटाइड नहीं निकालेंगे ठीक है न्यूक्लियज मतलब न्यूक्लियो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाले इंजाइम्स आर ऑफ टू टाइप्स एक्जो न्यूक्लियस एंड एंडो न्यूक्लियस एक्जो न्यूक्लियस एंड से न्यूक्लियोटाइड निकालते रहते हैं एंडो न्यूक्लियस बीच से काटते हैं तो रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से हम अपना डी एन ए काटते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में बायोटेक्नोलॉजी में ठीक है सो रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से हमने वेक्टर काटा रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से हमने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन काट लिया इसको काटने के लिए और इसको काटने के लिए सेम रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिय यूज किया गया है सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया गया है फिर इनको जोड़ दिया गया ठीक है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया इनको जोड़ने के लिए इंजाइम डाला जाएगा यहाँ पे थोड़ा गम डाल दो यहाँ थोड़ा गम डाल दो जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए ये वो वाला गम नहीं है थोड़ा यू नो गोंद की बूंद डाल दो दिस इज डीएनए लाइगेज डीएनए लाइगेज की हेल्प से आप ये दोनों एंड्स जोड़ दोगे डीएनए एन लाइगेज बेसिकली बैकबोन जोड़ने के लिए होता है यहाँ पे ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए होता है जो ये वाले बॉन्ड है इनको जोड़ने के लिए आपको डीएनए लाइगेज नहीं चाहिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना इनको जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज नहीं चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो अपने आप जुड़ जाते हैं स्टिकी एंड्स बनते हैं ना सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटने पे हमारे पास वी फाइंड समथिंग कॉल्ड स्टिकी एंड्स स्टिकी एंड्स को जोड़ने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए होता ये अपने आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स अपने आप जुड़ जाते हैं लेकिन जो इनकी बैकबोन है बैकबोन को जोड़ने के लिए डीएनए नाम का एंजाइम चाहिए होता है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया सैलमिला का प्लाज्मिड प्लस ये कोई फालतू का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जुड़ गए और उनको हमने ई कोलाई में डाल दिया वापस सेलमोनिला में मत डाल देना पचल सेलमोनिरा टाइफी को तुमने वो कर दिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कर दिया मरी नहीं रहा है लोगों को टाइफॉइड हो जा रहा है ऐसा मत करना ईकोलाई e में डाल दो तो यहाँ पे हमने एक नया जिसमें डालते हैं उसको होस्ट सेल बोलते हैं दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट वॉज डन बाय स्टैनले कॉइन हर्बर बॉयर नाइनटीन सेवेंटी टू में क्लियर अच्छा जो बच्चे सोच रहे हैं कि नोट्स कहां से मिलेंगे इतने प्यारे इतने सुंदर नोट्स बताओ जिंदगी में कहां से मिलेंगे प्लस के बच्चों को मैं दूंगी उतने ही नोट्स तुम तो को शायद रियलाइज नहीं होती ये बात है ना कि मैं चाह के भी तुम्हारे और प्लस के बच्चों में भेदभाव नहीं कर पाती जो नोट्स प्लस के बच्चों को देती हूँ वही नोट्स तुम लोगों को भी देती हूँ जो क्वेश्चन सीरीज प्लस के बच्चों को देती हूँ तुम लोगों को भी देती जो पीडीएफ उनको मिलता है तुम लोगों को भी मिलता ही है आगे चलो सो थ्री बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर ये तीन बेसिक स्टेप्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन पहले तो अपना डिजायरेबल जीन ढूंढो है ना अपना डिजायरेबल जीन काट लो इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड आइडेंटीफाइड होस्ट इसको होस्ट सेल में डाल दो होस्ट सेल में कैसे डालोगे विद द हेल्प ऑफ जनरली होस्ट सेल में डाल दो रिकॉम्बिनेंट होस्ट बन गया ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट बन गया मेंटेनेंस ऑफ इन द होस्ट एंड ट्रांसफॉर्म डी एन ए इंटू इट्स प्रोजनी अब जब भी ये सेल प्रोजे बनाएगा तो ये हमारा डीएनए का पीस इसमें भी जाना चाहिए बेसिक स्टेप्स ये दे, देखने में जितने आसान है करने में एक्चुअल में करने में उतनी मुश्किल है लेकिन पढ़ने में भी आसानी है सो so, हमारा पहला स्टेप होना चाहिए जीन को काट के निकाल लेना जो हमें डालना है ठीक है फिर उसको वेक्टर में घुसाना फिर वेक्टर को होस्ट में घुसाना ये ये स्टेप होने चाहिए हमारे तो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं बात आ जाओ आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल देखो भैया ये एक डीएनए है अब ये माता का माल तो है नहीं कि ऐसे पड़ा हुआ है रास्ते में ठीक है माता का प्रसाद तो है नहीं ये किसी सेल में बंद है ठीक है ये सेल अगर प्रो है तो डी न्यूक्लियस नहीं है अगर यू है तो खुद न्यूक्लियस के अंदर बंद है है ना एंड ऐसा नहीं ये दिस इज अग डी एन है ना दिस इज अग डी एन जो भी है दिस इज अ डी उसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ये है सिर्फ ये ये जो मैं रेड में बना रही हूँ देख रहे क्या अगर जो मेरा स्टाफ खटखटा रहा है मैं देख लेती हूँ टेक्निकल अरेयर तो नहीं कोई हाँ जी एक बार देखना वीडियो सही चल रही है क्या एक ये लगा के रखो साइड में ना वीडियो आ, म्यूट पे लगा के रखो कोई दिक्कत होगी तो बताना तो कुछ नहीं सुनो अब पहले मुझे सेल तोड़ना पड़ेगा ठीक है अब सेल तोड़ के फिर मुझे ये ये न्यूक्लिक ये जो ये वाला जो बाउंड्री है क्या बोलते हैं इसको न्यूक्लियस का जो कवर है वो तोड़ना पड़ेगा ठीक है फिर मुझे अपना डीएनए निकालना पड़ेगा फिर मुझे डीएनए निकाल के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट सेपरेट करना पड़ेगा इसको काटना पड़ेगा यहां से तब जाके मेरे पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा इस तरीके से तब जाके मेरे पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा तो सबसे पहले तो सेल तोड़ू सेल अलग अलग है भैया अगर बैक्टीरियल सेल तोड़ना है तो लाइजोजाइन से तोड़ो जो हमारे से लाइवा में और आइज में आंसुओं में प्रेजें होता है अगर प्लांट सेल है तो भैया उसका सेलुलोस से बनती है सेलवाल तो सेलुलस लेस से तोड़ो यहाँ पे सेलव वॉल भी हो सकती है ना मान लो प्लांट सेल है तो सेलवॉल भी तो हो सकती है बैक्टीरिया में भी सेलवाल होती है तभी तो लाइजोजाइन से टूटती है अगर फंगल सेल है तो काइटिन की बनी होती है सेलवाल तो काइटिने से टूटेगी ठीक है उसके बाद सब कुछ तोड़ दो सिर्फ डीएनए मत तोड़ना जितना सेल में प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कर दो प्रोटीएज से जितना सेल में आरएनए है राइबो न्यूक्लियस से डाइजेस्ट कर दो जितना लिपिड है लाइपे से डाइजेस्ट कर दो सिर्फ एक चीज नहीं डाइजेस्ट करनी क्या नहीं डाइजेस्ट करनी डीएनए नहीं डाइजेस्ट करना क्योंकि डी हमें इंटैक्ट चाहिए सो नेवर पुट डीएनएज डीएनएज अच्छा एक एक तुम्हारी एनसीआरटी में क्वेश्चन है डी और डी में क्या, क्या फर्क है एक तो ये है एक ये है भैया ये डीएनए का प्लूरल है डीएनएज ये डीएनएस है द दैट ब्रेक इंजाइमए सो इस लिस्ट में इस लिस्ट में नेवर पुट डीएनएस ये नीट का क्वेश्चन है आई थिंक पी वाई क्यू ने पुट डीएनएज क्योंकि ये डीएनए तुम्हें एस सच निकालना है बाहर अब ये प्रोसेस करने के बाद यू गेट समथिंग आपके पास पूरा डीएनए आ गया ऑफ कोर्स डबल स्टैंडर्ड है ये ऑफ कोर्स दिस इज डबल स्टैंडर्ड ठीक है बीच में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है तुमने डीएनए नहीं डाला ना यू हैव नॉट पुट डी एन एज राइट सो आपको डी एन ए एस मिल गया अच्छा एक चीज़ तुम्हें तो भूली गई एस सच नहीं मिलता सारे कबाड़े में डी एन ए पड़ा हुआ है ना टूटे हुए प्रोटीन्स में टूटे हुए लिपर्स में सब में पड़ा हुआ है तो इस पूरे गंध में आप चिल्ड इथेनॉल डाल दो ठीक है चिल्ड इथेनॉल डाल दो चिल्ड इथेनॉल से डी एन ए प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है डी एन ए आउट हो जाता है जिस पूरे प्रोसेस को हम स्पूलिंग कहते हैं स्पूलिंग के प्रोसेस से हम उसको निकाल लेते हैं फिर ठीक है ये कम से कम दो बार टू टाइम्स या थ्री टाइम्स पी में आ चुका है ठीक है कि भैया जब सेल्स का कबाड़ा पड़ा होता है सारा लिपिड टूटा हुआ प्रोटीन पूरा टूटा हुआ ये बह रहा है गंद मचा हुआ है तो उसमें से डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट कैसे किया जाए ठंडी दारू चिल्ड इथेनॉल डालो और फिर वो ऊपर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा फिर उसको स्पूलिंग के प्रोसेस से रिमूव कर लो Clear? अब ये निकला हुआ उसमें मुझे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट काटना है यहां से यहां काटना है ठीक है तो उसके लिए मैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम का इंजाम यूज करती हूं जो कि एक स्पेसिफिक साइट से ही काटता है डीएनए को और सिर्फ एक जगह साइट नहीं है कई जगह साइट से दीज साइट जो मैंने ग्रीन में बनाई हुई हैं साइट्स साइट्स दे आर कॉल्ड अच्छा नीचे मैंने लिखा हुआ है रेकोगशन साइट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ठीक है एक पीस ऑफ डीएनए में बहुत सारी रिकॉग्नीशन साइट्स होती हैं ठीक है लेकिन वो रेकोग्निशन साइट मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ में भी होनी चाहिए ठीक है जी ये रेकोगशन साइट हमेशा ही पेलिंड्रोम्स होते हैं दीज साइट्स आर ऑलवेज पेलिंड्रोम सीक्वेंसेस हर रिस्ट्रिक्शन इंजाइम का अपना एक रेकोग्नीशन साइट होगा अपना एक पेलिंड्रोम सीक्वेंस होगा पेलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है जो आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो सेम होता है जैसे कि आपको एक ही पेलिड्रोम सीक्वेंस याद करना है नहीं ए, एक बार ए, पिछले पाँच सालों में एक पी आया था जिसमें एक आउट ऑफ सिलेबस एक पेलिड्रोम सीक्वेंस पूछ लिया था शायद किसी का नहीं ये पूछा था कि ब्लंट एंड्स कौन बनाता है एक और वी आंसर था उसका एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था तो उसको मेरे ख्याल से ज़्यादा मत चिंता करो तो, तो ही ठीक है एक ही याद करो अभी के लिए एक ही याद करो ठीक है सी ए ए टी टी जी न सॉरी जी ए ए टी टी सी जी ए ए टी टी सी दिस इज फाइव डैश दिस इज थ्री डैश इधर अगर इधर से लोगे तो ये फाइव डैश हो जाएगा तो जी ए टी टी सी ये पैलेंट सीक्वेंस तुम्हें याद करना है देखो डैश से इधर पढ़ लो चाहे इधर पढ़ लो जी ए ए टी टीसी वन ई का ही दिया हुआ है सिर्फ एन में ये लर्न कर लो 99.9 नाइन पॉइंट परसेंट चांसेज है कि अगर किसी का सीक्वेंस पूछा जाएगा तो इसका पूछा जाएगा 0.1 चांसेस हैं कि कोई ऐसा सीक्वेंस पूछा जाएगा जो एनसीआर में नहीं है ठीक है एक और लर्न करना चाहते हो तो हिंद टू का कर लो क्योंकि हिंद टू इज़ द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इन्जाइन और उसको बोला है कि उसका पेलेंड्रोम सिक्वेंस जो है वो सिक्स बेसिस बेसिस का होता है ठीक है वो मैंने इस स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया है लेकिन टेस्ट में क्वेश्चन जरूर डाल दूँगी मैं कि हिंद टू का रिकोगनीशन सीक्वेंस मुझे बताओ ये तुम मुझ पर बुरा भरोसा रखो अगर कहीं पर कोई चीज़ मैंशनड है एन सी आर टी में और एन सी आर टी पूरा नहीं बता रही तो वो मेरे टेस्ट में ज़रूर आएगा ठीक है और एक और तो मैं टिप देती हूँ टेस्ट करने के लिए प्लीज़ पीछे वाली एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करके आना क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो चैप्टर में नहीं है और मेरे क्वेश्चन धड़ाधड़ 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 धड़ा, धड़ा वहां से आएंगे क्योंकि नीट में भी आ जाते हैं वहां से क्वेश्चन ठीक है समरी और पीछे वाले क्वेश्चन देख के आना नाउ रिकोगशन साइट से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला उसने काट दिया ठीक है मेरे पास ऐसे पीस टुकड़े आ गए बहुत सारे डीएनए के उसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया लेकिन मैं अपना जी जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे सेपरेट करूं इतने सारे टुकड़ों में घूम रहा है तो मेरा नेक्स्ट स्टेप आएगा अभी तो देखो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं हुआ सेपरेट अभी तो मैंने सेल तोड़ा है सेल तोड़ के डी एन ए प्रेसिपिट आउट किया प्रेसिपिटेट आउट करके काटा है जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है अभी इसको सेपरेट करना है ये कूड़े में से डी एन ए का ही कूड़ा है ना बहुत सारा डी एन ए पीसेज है ना यहाँ पे डी एन ए पीसेज है लिखा ही हुआ है मैंने पीसीज ऑफ डी एन ए उसमें से मुझे अपना डी एन ए पीस सेलेक्ट करना है फॉर विच आई एम गोइंग टू डू अनदर प्रोसेस ल इलेक्ट्रोफोरसिस सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंस इज डन बाई जेल इलेक्ट्रोफोरसिस हैं ना मतलब दो टॉपिक से इतने पीवा एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टॉपिक से उससे क्या बोलते हैं टूल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इस टॉपिक से इस बार इस टॉपिक से आई थिंक ट्वेंटी ट्वेंटी वन में चार पांच क्वेश्चन आ गए पता नहीं तीन आए थे रूल्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग जो मैं कराऊंगी आगे आगे इससे पीवाईक्यू आए थे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ा धड़ा एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आए थे ये भाई हमारा पीवाईक्यू का बादशाह है पीवाईक्यू क्वीन ठीक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज किया जाता है जब आपके पास बहुत सारे पीसेज ऑफ डीएनए हो तो आप अपना डीएनए कैसे आइसोलेट करोगे तो व्हाट यू डू डीएनए इज एक्चुअली अ

ठीक है नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज के पास भागेगा तो अगर मैं उसके सामने इन एनोड रख दूँ एनोड रख दूँ एनोड मतलब जो एनायन को अट्रैक्ट करे एनायन आर नेगेटिवली चार्ज सो मैं अगर एनोड रख दूँ तो मतलब एनोड मस्ट भी पॉजिटिवली चार्ज ना तो मेरा डी एन एचे से करके एनोड की तरफ भाग लेगा ठीक है नेगेटिवली चार्ज डी एन ए पीसेस कैन बी फोर्स्ड टू मूव टूवर्ड्स एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मीडियम किस मीडियम में से भागेगा एगेरोज जेल एगेरोज जेल जो है रेड एलगी से मिला हुआ सब्सटेंस है जेलीडियम और ग्रासिलेरिया नाम की दो रेड एलगी हैं जिनसे एगेरोज जेल मिलता है ये भी नीट का क्वेश्चन है कि कहाँ से मिलता है उनके बीच बीच में से डीएनए ऐसे ऐसे करता हुआ ऐसे ऐसे लहरा के बलखा के बलखा के लहरा के आग लगा के दिलों को ओ ओ वी वेंट ऑफ द टॉपिक लहरा के बलखा के एगरोज जेल के अंदर से मूव करेगा एनोड की तरफ ठीक है तो जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सबसे तेज मूव करते हैं स्मॉलेस्ट सबसे आगे होते हैं और लार्जेस्ट सबसे पीछे रह जाते हैं ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा आगे कौन सा पीछे राइट डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज ये एनोड रख दो यहाँ पे ये वेल्स हैं जिनमें फीड कर दोगे आप डी एन ए के पार्टिकल्स एंड फिर वो यहां भागेंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ एंड जो सबसे बड़े हैं मोटे हैं पीछे रह जाएंगे बेचारे कहाँ से भाग पाएंगे अब तुम कहोगे मैम इस पर चार्ज भी तो ज़्यादा है क्योंकि ये साइज भी तो बड़ा है मैम इसको नहीं बेटा तुम्हारा तो मोटा होना ज़्यादा गलत बात है ठीक है चार्ज टूट गया भाड़ में सो इट इज़ फैट इट कैन नॉट मूव सो पीछे रह जाएगा दिस इज़ यू नो स्मॉल ईजी एजाइल भाग जाएगा आगे तो ये अकॉर्डिंग टू देयर साइज सेपरेट हो जाएंगे बट डी एन एज नॉट विजिबल एज सच सो यू आर गोइंग टू स्टेन दीज डी एन ए पार्टिकल्स विद अ डाई कॉल्ड इथिडियम ब्रोमाइड, द क्वीन ऑफ पीवाईक्यूज़, कौन सी डाई सिस्टेन करोगे एंड इथिडियम ब्रोमाइड भी इनफ नहीं है इट विल बी विजिबल ओनली इन यूवी रेस के नीचे और कौन सा कलर दोगे ये भी पीवाईक्यू है ब्राइट ऑरेंज बैंड्स ऑरेंज बैंड्स देगा ये ठीक है जी डीएनए स्टैंड ऑरेंज कलर दे जाएगा। ये आते हैं जेल में DNA, पहले तो क्यों करते हैं ये पता होना चाहिए डीएनए के पीसेस को सेपरेट करने के लिए देन आप क्या प्रॉपर्टी यूज करते हो डीएनए की उसको सेपरेट करने के लिए डीएनए का आप चार्ज और साइज यूज कर रहे हो बेसिकली चार्ज की वजह से भाग रहे साइज की वजह से छोटे वाला तेज भाग रहा है देन साइज़ की वजह से बेसिक सेपरेशन है देन आप कैसे देख सकते हो डीएनए के पीसेस को आप इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करके यूवी रेज के नीचे एंड देन यू नो ब्राइट ऑरेंज दिखेगा देन आप कैसे रिमूव करोगे अपना पीस ऑफ डीएनए मान लो ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये वाला ठीक है अब इसको कैसे निकालोगे तुम थोड़ा सा ऐसे ना जैसे खुरपी से मिट्टी खोदते हैं ना वैसे थोड़ा सा जेल खोद लोगे ऐसे जेल उसके ऊपर तुम्हारा ऐसे पड़ा होगा डीएनए का पीस फिर उसको निकाल लोगे उस निकालने के प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं इल्यूशन इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए पीसेज़ फ्रॉम एगे जेल अब तुम्हारे पास तुम्हारा प्यारा डीएनए का पीस आ गया ये रह, ये रह तुम्हारा पीस ऑफ डीएनए है ना ये तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जी ओ आई भी बोलते हैं जी ओ आई भी बोलते हैं फॉरेन जीन भी बोलते हैं क्योंकि जिस ऑर्गेनिज्म में डालेंगे उसके लिए तो फॉरेन ही है ठीक है अब क्या है तुम्हारे पास इकलौता फॉरन जीन है इकलौता फॉरन जीन है उसी को क्या घुसारे लग जाओगे होस्ट सेल में अगर नहीं घुसा तो डीएनए यू नो रिकॉम्बिनेट डी एन इट इट इट्स नॉट दैट ईजी देर लॉट ऑफ चांस फैक्टर्स होगा नहीं होगा पता नहीं क्या होगा सो यू बेटर मेक कॉपीज फॉर दिस फॉरन जीन एंड नॉट जस्ट टू थ्री फोर कॉपीज यू मेक अ बिलियन कॉपीज आधे घंटे में तो बिलियन कॉपीज बना दूंगी मैं इसकी ठीक है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कि केरी मुल्स ने डिस्कवर किया था जिसको कि नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए दिस इज ऑल्सो क्वीन ऑफ पीवा जनरली इसके स्टेप का सीक्वेंस पूछ लेते हैं मतलब सबसे आसान क्वेश्चन जो पीसीआर में से बन सकता है वो पूछ लिया जाता है क्या पूछा जाता है पीसीआर क्या करता है बेटा पीसीआर जीन की एम्पलीफिकेशन कर देता है फिर दूसरा पूछा जाता है पीसीआर की एप्लीकेशन क्या है पीसीआर की एक एप्लीकेशन तो ये है कि आपके पास एक जीन है आपको उसको होस्ट में डालना है तो आप पहले उसकी कॉपीज बना लो फिर होस्ट में काफी सारे होस्ट में डालो तो आपके यू नो एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे देन पीसीआर को डिजीजेस की डायग्नोसिस में भी हेल्प किया जाता है मान लो आपके अंदर एच का डी घूम रहा है या सॉरी एच का आर घूम रहा है ठीक है अब ब्लड में वो इतना कम है कि नॉर्मली डिटेक्ट नहीं हो रहा लेकिन अगर आप उसको पी कर लो अगर वो है प्रेजेंट तो उसकी बिलियन कॉपीज बन जाएंगी पी की हेल्प से तो वो ईजिली वो हो जाएगा अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो पीसीआर उसकी कॉपीज नहीं बना पाएगा क्योंकि कॉपीज बनाने के लिए आपको पहले ओरिजिनल पीस ऑफ डीएनए होना चाहिए जिसकी कॉपीज बनेंगी अगर एचआईवी आई वी का आर नहीं है तो कॉपीज नहीं बनेंगी ठीक है अगर एच आई वी कार्य है तो उसकी बिलियन कॉपीज बन जाएंगी तो ईजिली डिड्यू पकड़ा जाएगा लैब टेस्ट में तो हमें पता चल जाएगा एक बंदा जिसको एच का इन्फेक्शन है लेकिन अभी बहुत कम है उसे कंट्रोल किया जा सकता है उसको एक अच्छी ज़िंदगी दी जा सकती है तो आप पी कर लो ना ठीक है वो हम मॉलिकुलर डायग्नोसिस में पढ़ेंगे विच इज़ इन बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन वाला पार्ट सेकेंड चैप्टर सेकेंड चैप्टर मैं आपको मंडे या ट्यूजडे को कराऊंगी आई टेल यू ठीक है मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी टेलीग्राम का है रितु रतेवाल आर आई टी यू आर ए डब्लू टी ई डब्ल्यू एल मैं सारा शेड्यूल वहीं पे डालती हूँ अपना नाउ इसके तीन स्टेप्स होते हैं डीनेचुरेशन एनीलिंग एंड एक्सटेंशन इनका सीक्वेंस आता रहता है पहले कौन सा बाद में कौन सा ठीक है डी नेचुरेशन एनीलिंग एंड एक्सटेंशन डाई मत भूलो इसको पीवाई क्यों आते हैं ठीक है इसमें एक एंजाइम यूज होता है जिसको टाक पॉलीमरेज कहते हैं इसमें पी वाई क्यू आते हैं टाक पॉलीमरेज इज अ डी एन ए पॉलीमिरेज बेसिकली डी ए की कॉपी बनाने के लिए आपको डी एन ए पॉलीमेरेज नाम का एंजाइम चाहिए होता है तो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डी एन ए पॉलीमेरेज विच इज डिराइड फ्रॉम दिस बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस ये भी क्वेश्चन आता है किससे मिलता है थर, तो टाक यहाँ से आ गया थर्मस का टी ले लिया ए क्यू ले लिया यहाँ से थर्मस एक्वाटिकस ठीक है टाक आ गया फिर पॉलीमरेज आ गया ठीक है तो ये बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में रहता है एक्सट्रीमोफाइल है ये बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशन में रहता है हॉट वाटर स्प्रिंग्स में रहता है ठीक है हाइड्रोथर्मल वेंट्स में हॉट वाटर स्प्रिंग्स में तो इसका जो इंजाइम्स है वो बहुत हाई टेम्परेचर को कोप अप करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर पे भी फंक्शन करने के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं इसके इंजाइम्स डी नेचर नहीं होते बहुत हाई टेम्परेचर पे भी और जो फर्स्ट स्टेप है पॉलीमिन चेन रिएक्शन का डी वो बहुत हाई टेम्परेचर पे किया जाता है 94 डिग्री सेल्सियस के आसपास तो इतने हाई टेम्परेचर में कोई नॉर्मल पॉलीमेरेज लेंगे तो वो डैमेज हो जाएगा तो हमें एक स्पेशल पॉलीमेरेज लेना पड़ेगा ठीक है तुम कहो मैम इसमें तो पॉलीमेरेज लगता ही नहीं पॉलीमेरेज तो इस वाले स्टेप में लगता है बेटा कोई बात नहीं डालना पहले ही पड़ता है सब कुछ ना ये पूरा साइकिल चलाने से पहले ही सब कुछ डालना पड़ता है आपको टेम्पलेट भी डालना पड़ता है पहले ही, आपको प्राइमर भी डालना पड़ता है पहले ही, आपको न्यूक्लियोटाइड्स भी पहले डालने पड़ते हैं और आपको टाक पॉलीमेरेज भी पहले डालना पड़ता है फिर आपको अपनी मशीन बंद करके बटन ऑन कर देना होता है फिर ये स्टेप्स चलते हैं डी ए ई डी ए डी ए ई डी ए डी नेचुरेशन एनी एक्सटेंशन डी नेचुरेशन एनी एक्सटेंशन सो आपका इंजाइम इतने हाई टेम्परेचर पे खराब ना हो जाए तो आप नॉर्मल इंजाइम नहीं यूज कर सकते सो यू यूज डार्क पॉलिमरीज सो दिस इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसके कि दो ट्रेंड्स आपको दिख रहे हैं मैंने अलग अलग कलर में बनाया ताकि अलग से दिख जाए फर्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज डी नेचुरेशन विच हैपन्स एट वेरी हाई टेम्परेचर 90 डिग्री के आसपास लर्न कर लो आप 90 प्लस माइनस टू थ्री ऐसा ठीक है इतना हाई टेम्परेचर कि डीएनए के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं सो दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स लेकिन फॉस्फोडाइस नहीं टूटते ये क्वेश्चन मैं डालूंगी देखना तुम्हें तो कि कौन से बॉन्ड टूटते हैं डीनेचुरेशन के टाइम कौन से नहीं टूटते ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक ना एच बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड्स इंडिपेंडेंटली घूमने लगते हैं दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर एनी मोर सेकेंड स्टेप इज एनीलिंग जो आपने छोटे छोटे प्राइमर्स डाले होते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा कम कर दिया जाता है अराउंड पचास डिग्री के आसपास प्लस माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस ठीक है रख दिया जाता है जिससे कि वो प्राइमर्स आके जो थ्री डैश एंड है ना मान लो इसका थ्री डैश है उसके सामने लगेगा यहां पे लगेगा तो यहां पे लग गया और इसके थ्री डैश पे यहां लग गया दिस सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड नीलिंग थर्ड स्टेप एंड द लास्ट स्टेप इज एक्सटेंशन जहां पे न्यूक्लियोटाइड जो पड़े हुए थे विद द हेल्प ऑफ टाक पॉलीमरेज विद द हेल्प ऑफ टाक पॉलीमरेज दे आर गोइंग टू बी एडेड लाइक दिस फाइव टू थ्री डायरेक्शन में है ना देखो क्योंकि सारे डी एन ए पॉलिमरेजर्स फाइव टू तो थ्री डायरेक्शन में एड करते हैं सो so, ये पूरा लंबा न्यूक्लियोटाइड यहां पर जुड़ गया यहां पर भी न्यूक्टाइड जुड़ गए और पूरा एक पीस के दो पीस बन गए दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट हमने एक से शुरू किया था हमारे पास दो आ गए अब देन जैसे ये दो बनेंगे द साइकिल विल स्टार्ट अगेन डीएई फिर से डीनेचुरेशन हो जाएगा चार हो जाएंगे ये दोनों सेपरेट ये दोनों सेपरेट फिर चारों पे प्राइमर लग जाएगा एनीलिंग में फिर चारों के चारों पे फिर इस तरीके से एक्सटेंशन हो जाएगी तो दो का चार बन जाएगा ऐसा अगर ये 30 मिनट्स तक चलता रहा तो एक बिलियन कॉपीज मिल जाती हैं आपको आगे चलेंगे नाउ सो so, अब क्या है आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है

जैसा कि ऑब्जर्व किया कि मेरे नोट्स की क्वालिटी बहुत ही बढ़ गई है पहले से सो so, मैं शाउट आउट देना चाहूंगी अपनी टीम को जो नेक्स्ट केबिन्स में बैठे हैं और जो मेरी हेल्प करते हैं क्लासेस प्रोड्यूस करने के लिए डायग्राम्स हालांकि मोस्टली मैं खुद ही बनाती हूँ बट दे हेल्प मी राइट द नोट्स दे हेल्प मी टाइप द यू नो विद पी वाई क्यूज दे हेल्प मी विद एवरीथिंग छोटा 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 चीज एंड उनकी हेल्प की वजह से ही है कि ये क्लासेज आप तक पहुँच पा रही नहीं तो तुम लोगों को तो पता ही है मैंने बीच में बिल्कुल ही यूट्यूब करना छोड़ दिया था मुझे हो नहीं पा रहा था टेक्निकल ये वो it was very difficult for me but because of the team i am able to do lot of good things now so there is a foreign gene ab aapke paas iski copies aa gayi hain due to pcr you got a lot of copies right now you want to put it in a host cell ये host cell और ये जीन सेम ऑर्गेनिज्म का नहीं होना चाहिए तभी तो इसका नाम foreign gene है ये नहीं कि ई कोलाई का जीन ई e. कोलाई में ही डाल दिया ये होना चाहिए किसी और बैक्टीरिया का किसी चीज का भी जीन हो भैया सेम मत रखो होस्ट सेल को ठीक है देन यू इधर यू पुट दिस जीन डायरेक्टली इन टू द होस्ट सेल डायरेक्ट मैथड भी हम लोग पढ़ेंगे बट मोस्टली ज्यादातर आप इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हो यू यूज एन अदर पीस ऑफ डी एन ए विच इज कॉल्डर दिस वैक्टर इज जनरली प्लाज्म माइक्रोब्स अगर आप मोनो uh, क्या कहते हैं प्रोक्रेड्स की बात करो सो so प्रोक्रेड्स में जो एक बहुत ही फेमस वेक्टर है दैट इज प्लाज्मेट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मेट्स अगर यही चीज आपको ह्यूमन सेल में डालनी हो ह्यूमन सेल में सो रेट्रो वायरसेस आर वेरी फेमस वैक्टर्स ह्यूमन सेल्स के लिए याद रखेंगे इसको अगर यही चीज आपको डाइकॉट प्लांट के सेल में डालनी हो सो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस का एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेश माइक्रोव विच इज अ प्रोकर उसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स भी बोलते हैं उसके पास एक वेक्टर होता है जिसको टी आई प्लाजमेट बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाजमेट उस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेट को यूज करके हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डायकॉट प्लांट के सेल में पहुंचाते हैं सो so, कुछ वेक्टर्स आपको याद रखने हैं कौन कौन से प्रोक्रियोड्स के लिए जर्नली प्लाज्मेट्स ह्यूमन सेल के लिए जनरली रेट्रोवायरस एंड डायकोर प्लांट्स के लिए जनरली एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफेश प्लाजमिट हियर इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट वैक्टेरिया रिकॉम्बिनेट प्लाजमिट ठीक है क्योंकि दो ऑर्गेनिजम्स का डीएनए कंबाइन हो गया तो रिकॉम्बिनेंट ही हो गया एंड देन उसको होस्ट में डाल दिया जाता है अब इस होस्ट को ग्रो करोगे आप आगे फर्दर यू नो यू ग्रो इट इन बायो तो बायो का टॉपिक अलग से हम लोग पढ़ेंगे यू ग्रो इट इन टू बायोरिएक्टर्स, ठीक है फॉर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन या तो आप प्रोटीन बनाओगे से एक्सप्रेशन करोगे या जीन की क्लोनिंग करोगे दोनों ही चीजें हो सकती हैं टूल्स फॉर री अच्छा यहां पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया सो so, प्रोसेस के स्टेप्स तुम लोग समझ गए प्रोसेस का पहला स्टेप था सेल को फोड़ना जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हुआ है प्रोसेस का दूसरा स्टेप था वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाकी यू you नो know, पहले डीएनए को बाकी सारे गन से सेपरेट करना चिल्ड इथनॉल से फिर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट काट लेना रेस्ट्रिक्शन एंडर न्यूक्लियस से फिर उसको सेपरेट कर लेना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से फिर उसकी कॉपीज बना लेना पीसीआर से फिर कॉपीज बना के अल्टीमेटली वैक्टर में घुसा के होस्ट सेल को दे देना लास्ट स्टेप है यह मैंने जो पूरा प्रोसेस तुम लोगों को कराना था ठीक है जी अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डी टेक्नोलॉजी एक मिनट में अपनी चेयर पे बैठी हुई हूं एक मिनट बाद स्टार्ट करूंगी वैसे तो तुम लोगों को पता है कि मेरी कैपेबिलिटी एक घंटा पढ़ाने की है लेकिन आजकल क्रैश कोर्स के लिए मैंने अपनी कैपेबिलिटी को टू आवर्स पुश कर दिया है तो हर एक घंटे बाद मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है टूल्स ऑफ रिकमेंड डीएनए टेक्नोलॉजी जिसमें हम पहला टूल पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस सो पहले मैंने न्यूक्लियस का डेफिनेशन दिया हुआ है न्यूक्लियस इज समथिंग एनी इन्जाइम विच इज गोइंग टू ब्रेक न्यूक्लिक एसिड सो दे आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्सियस डीएनएस एंड आरएनएस आरएनए को तोड़ने वाला आरएनएस डीएनएस को तोड़ डीएनए को तोड़ने वाला डीएनएस दैन डीएनएस इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स एंडो न्यूक्लियस विच विल

पेलिंड्रोम सीक्वेंस अपना रिकोगशन सीक्वेंस मिलेगा बीच बीच में तो ये वहां से काट देगा इसलिए इसका नाम है क्योंकि अंदर से काटता है वेयर एज एग्जो न्यूक्लियस विल नॉट सर्च इन साइड एग्जो न्यूक्लियस के लिए पेलिंड्रोम सीक्वेंस नहीं चाहिए एक्सो न्यूक्लियस क्या करेगा एंड ऑफ डीएनए से एंड ऑफ डीएनए से यहां से न्यूक्लियोटाइड निकालना चुक 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 निकालना शुरू कर देगा एग्जो so, न्यूक्लियस बाहर से एंडोन्यूक्लियस बीच से सो so, आप समझ सकते हो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक्सो न्यूक्लियस का कोई काम नहीं है सिर्फ एंडोन्यूक्लियस का ही काम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पी वाई क्यू की रानी भवम भवामी इन 1963 इंजाइन रिस्पांसिबल फॉर रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ ऑफ बैक्टीर इकोलाइवर आइसोलेटेड भैया जब क्या होता है you know, तो जब भी वायरस अटैक करता है तो वायरस अपना जेनेटिक मटीरियल बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है ठीक है so सो बैक्टीरिया अपने को बचाने के लिए दो इंजाइम का सहारा लेता है कौन कौन सा इंजाइन एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वायरल जेनेटिक मटीरियल को दिस इज वायरल जेनेटिक मटीरियल वायरल से डी एन कुछ भी हो सकता है वायरल डी भी हो सकता है आर भी हो सकता है अभी मुझे ये याद नहीं है कि बैक्टीरियो फ्ज में डीएनए होता है आर एन होता है आई थिंक डी होता है बट जो भी है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्स वायरस के डी एन आर एन को देखेगा उसकी लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा वहां पे अपने रिकोगनीशन सीक्वेंस को ढूंढेगा और उसको काट देगा यहाँ so, से सो इस तरीके से वायरल जो डीएनए है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा लेकिन बैक्टीरिया का खुद का भी तो डीएनए है

मीथाइल ग्रुप ऐड करके उनको ढक देता है सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरियल डी एन ए की रिकोगनीशन साइट्स को नहीं ढूंढ पाता और वायरस की ऐसी तैसी हो जाती है सो so, ये दो इंजाइम का पता चला 1963 में और फिर साइंटिस्ट uh, ने सोचा कि अगर बैक्टीरिया में ये इंजाइम यूज हो सकता है डी को काटने के लिए तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्यों नहीं यूज कर सकते वहीं से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मार्केट में बूम आ गया द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वॉज हिंद टू दिस इज अ इट हैज ऑफ बेस अट ये तुम्हारा होमवर्क है मैं टेस्ट में डालूंगी खुद ढूंढो खुद ढूंढो ठीक है

सिर्फ वही रेस्ट्रिक्शन एंड यूज किए जाएंगे जो स्टिकी एंड्स बनाए स्टिकी एंड्स का मतलब क्या है पीस ऑफ डीएनए को ऐसे काटो जैसे ई कॉर वन है जी ए ए टी टी सी जी ए ए टी टी सी तो ऐसे मत काट दो कि ये पूरा बीच में से ही कट जाए ना गलत बात है जैसे ई कॉर वन काटता है वो जी और ए के बीच में से काटता है यहां से काटता है तो जब ये कटेगा तो ऐसा पीस बन जाएगा एक सी टी टी ए ठीक है एक पीस ये बनेगा और दूसरा पीस ये बनेगा ऊपर उप, बना देती यहाँ पे ए टी टी सी जी जी तो यहाँ पे कुछ अनपेड बेसिस रह गए ना ये नीचे वाले कुछ अनपेड रह गए बिना पार्टनर के ये वाले ये वाले है ना और ये वाले कुछ बिना पार्टनर के रह गए ये वाले बेचारे तड़पते हुए तन्हा तन्हा है ना इनको स्टिकी एंड्स बोलते स्टिकी एंड्स बोलते हैं स्टिकी क्या होते हैं पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाए और हाइड्रोजन बॉन्ड तड़पता रह जाए अपने पार्टनर के लिए ठीक है ब्लंट एंड होता है अगर मैं बीच में से काट देती अगर मैं बीच में से काट दूं तो क्या बनेगा देखो अजीब सा नहीं बन जाएगा ऐसा नहीं बन जाएगा कुछ जी ए टी टी सी जी ए ए टी टी सी तो यहां तो कोई तनहा नहीं है सबके पास अपना अपना पार्टनर है है ना इसको ब्लंट एंड या फ्लश एंड बोलते हैं ब्लंट या फ्लश एंड, एंड एंड जो रिस्ट्रिक्शन एंडो इस प्रकार से काटेगा वो कभी भी इंस्ट्रक्शन इसमें डीएनए टेक्नोलॉजी में नहीं यूज किया जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ठीक है ब्लंट एंड्स आर प्रोहिबिटेड बाय क्योंकि ब्लंट एंड्स को जोड़ना मुश्किल होता है स्टिकी एंड्स को जोड़ना होता है तो तड़प ही रहे हैं कि कोई मिल जाए प्यार करने वाला कोई मिल जाए हम पे मरने वाला है ना कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला तो वो हाल है इनका सो ईकोर वन प्रोड्यूस स्टिकी एंड ईकोर वन डज नॉट प्रोड्यूस दिस दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल दैट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इकॉर वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंजाइम इन दिसनेटिकरिंग थर्टीन से ये इंजाइम निकलता है इकॉर e वन जो आपका जीनस है उसका एक लेटर उठा लो ई e. जो आपका स्पीशीज है उसके दो लेटर उठा लो सी ओ जो आपका स्ट्रेन है उसका पहला लेटर उठा लो आर रफ आर वाई जो है, भी है और ये वन क्या है इज द ऑर्डर इन विच द इंजाइम वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन हो जाएगा तो अब रिस्ट्रिक्शन एंडो क्या करेगा ये तुम्हारी एनसीआरटी का डायग्राम है ठीक है मान लो ये वेक्टर का डीएनए है ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फॉरेन जीन है क्यों हम कहते हैं कि भैया वेक्टर को और फॉरेन जीन को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से काटो वाई डू वी से दैट प्लीज कट द वेक्टर एंड द फॉरेन जीन विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस बिकॉज सेम रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस इज गोइंग टू प्रोड्यूस सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स एंड स्टिकी एंड्स आर यू नो

अब आग बराबर लगी हुई है दोनों साइड टी का जोड़ा यहाँ पे ए है इस वाले टी का जोड़ा ये वाला ए है इसका ए और इधर वाला ए इधर के टी और इधर के टी से जुड़ना चाहते हैं तो ये बहुत ईजिली एक दूसरे के वैसे स्लाइड होके यू नो दे विल बाइंड टू ईच अदर राइट एंड दे रिकॉम डी एन ए विद हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड लाइगेज मतलब ये वाले बॉन्ड्स बनाने के लिए लाइगेज नहीं चाहिए तो हाइड्रोजन बॉन्ड है बट ये वाले बॉन्ड बनाने के लिए तो लाइगेज चाहिए ना यार ऐसे मत करो यहाँ पे डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम डाल दो इट विल हेल्प यू लाइगेट द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स क्लियर नेक्स्ट क्लोनिंग वेक्टर्स आओ वेक्टर्स की दुनिया में डूब जाए तुम और मैं फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वैक्टर्स वट आर गुड क्लोनिंग वैक्टर्स क्लोनिंग वैक्टर्स के पास हमेशा ही एक डी एन ए का सीक्वेंस होना चाहिए जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन या ओ आर आई भी कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन मान लो एक वैक्टर है अगर उसमें ओ आर आई नहीं है तो वो रेप्लीकेट नहीं कर सकता इस रेप्लीकेशन का ओरिजिन है ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है अगर तू रेप्लीकेट ही नहीं कर सकता तो क्या तू मेरे जीन को रेप्लीकेट करा पाएगा मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट में, में डाल भी दू क्या तू उसको रेप्लीकेट कर रेप्लीकेट नहीं हो सकता तेरा फायदा क्या है जैसे लड़की की शादी करने से पहले माँ बाप लड़की के माँ बाप लड़के को बोलते ना क्या तू कमाता है क्या तू अच्छा कमाता है तू अपना ही पेट नहीं भर सकता तू मेरी बेटी का पेट क्या भरेगा हालांकि पुराने टाइम की बात है आजकल लड़कियां अपना पेट खुद भर लेती है बट वैसे ये जिसके पास ओ नहीं है वो क्या जीन ऑफ इंटरेस्ट को कॉपी करेगा जब तू खुद ही कॉपी नहीं हो सकता तो ओ आर आई यू नो कंट्रोल रेप्लीकेशन नहीं हो सकती ओ आर आई के बिना ऑल्सो ओ आर आई विल कंट्रोल द रेप्लीकेशन नंबर कि भैया रेप्लीकेट होके ये जैसे एक ई e कोलाई के अंदर सपोज दिस इज ई कोलाई एक कोलाई के अंदर ये कितनी बार रेप्लीकेट होगा क्या ऐसे सौ प्लाज्मेट बन जाएंगे या ऐसे दो ही प्लाज्मेट बन पाएंगे सो so, टिंग एज इन सेल रेप्लीकेट हो इसकी जरूरत नहीं है प्लाज्मिट को रेप्लीकेट होने के लिए प्लाज्मिट आर सेल्फ रेप्लीकेटिंग दे केन रेप्लीकेट दम सेल्स इवन वेन द सेल इज नॉट रेप्लीकेटिंग रेप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम दिस सीक्वेंस इट कंट्रोल द कॉपी नंबर ये पी वाई क्यू है आई थिंक कॉपी नंबर कौन यूज कंट्रोल करता है देन क्लोनिंग साइट होनी चाहिए एक तो ओआरआय होना चाहिए दूसरा क्लोनिंग साइट हो चाहिए। क्लोनिंग साइट कुछ नहीं होती रिकॉग्निशन साइट कोई बोलते हैं बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लीजिस की एक अच्छे वेक्टर में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लीजिस की क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए ठीक है ताकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लीज आके वहां पे कट मार सके सो दैट आई हैव एन ऑप्शन कि मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं कौन एंडो से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटू बट बट एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बहुत सारी साइट्स नहीं होनी चाहिए जैसे ईकॉर वन है ईकॉर वन की सिर्फ एक या दो रिकोग्नीशन साइट हो एक रिकोग्शन साइट होनी चाहिए वैक्टर में एक से ज्यादा नहीं क्योंकि अगर बहुत सारी है वैक्टर में तो वो तो पूरा वैक्टर काट काट के टुकड़े टुकड़े कर देगा राइट द रिकोग्शन सीक्वेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्स इज कॉल्ड क्लोनिंग साइट अ गुड वेक्टर हैज़ साइट्स ऑफ़ मेनी बट अ सिंगल रिकोग्निशन सीक्वेंस फॉर ईच आर आई होप तुम ये बात समझ गए हो एक वेक्टर में ई और वन के लिए भी होना चाहिए कलावन के लिए भी होना चाहिए हिंद टू के लिए भी होना चाहिए ताकि मेरे पास चॉइस हो जाए रिस्ट्रिक्शन एंडलीस की लेकिन अगर हिंद टू की ही दस साइट्स हैं तो ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि अगर मैंने हिंद टू इस पर यूज कर दिया तो हिंद टू तो इसके टुकड़े कर देगा विच इज़ नॉट अ वेरी आइडियल आई होप यू गेट इट देन सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए टू सिलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स टू सिलेक्ट रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स इसका मतलब क्या है देखो ज आर होस्ट सेल्स दिस इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट दिस इज योर वेक्टर कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला तीन केसेस बनते हैं पहला केस पहले तो यहां पे दो केसेस बनते हैं एक्चुअली पहला केस वेक्टर जो है वो बिना जीन ऑफ इंटरेस्ट को घुसाए खुद ही बंद हो जाए ऐसा होता है वेक्टर्स यू नो डू नॉट टेक चांस की बात है जीन ऑफ इंटरेस्ट घुस जाए तो एंड दूसरा केस है कि वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट घुस जाए जैसे घुसना चाहिए था लाइक दिस इज रिकॉम्बिनेंट वेक्टर दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट बेचारा हालात का मारा किस्मत का दुखियारा क्या से क्या हो गया देखते देखते ये तो बच्चे बहुत कमेंट करते हैं मेरी फोटो में मुझे बहुत गुस्सा आने लगा आजकल इस बात पे पहले मैं बहुत पतली होती थी अब मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ तो मेरी जो इंस्टाग्राम की पहले वाली फोटोज है ना जिन्हें बहुत पतली होती थी उसके नीचे कमेंट कर देते हैं बच्चे जाके क्या से क्या हो गया देखते देखते तुम लोगों को क्या है हैं आई बड़े हीरोइने खुद कौन हो तुम कैटरीना कैफ हो आए बड़े मार खाओगे जिसने ऐसा कमेंट किया मेरे फोटोज के नीचे गंदे क्या से क्या हो गए देखते देखते भगवान बदला लेगा एक एक से तुम से ऐसे कमेंट करने वालों से अब सुनो अब तीन केसेस हो सकते हैं एक ऐसा सेल जो कि वेक्टर को घुसाए ही ना ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनमें वेक्टर घुसता ही नहीं है तो दे आर वेरी हैप्पी दे आर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहता अपने को चाहिए ही नहीं कुछ भी नॉन रिकॉम्बिनेंट एक जो बाजी मार गया इसलिए इसको सबसे बड़ा भी बनाया ये बहुत ज्यादा ही खुश है जिसमें अरे यार ना यार ये तो ये वाला घुसाना पड़ेगा जाओ कोई बात नहीं तेरी भी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं है ठीक है ठीक ही ठीक है तू भी इसमें वेक्टर तो घुसा लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला घुस गया इसको बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट बट इट इज अ ट्रांसफॉर्मेंट क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन तो इसकी हो गई ना वेक्टर तो घुस गया ना इट इज अ ट्रांसफॉर्मेंट और तीसरा जो इसको बेचारे को परेशान बना देते हैं क्योंकि ये स्लेवरी करेगा आप है ना क्योंकि इसको अभी ह्यूमंस पकड़ के इसको बायो रिएक्टर में डाल देंगे ये वाले जिसमें वेक्टर घुसा भी और जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला घुसा है मतलब दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेंट एज वेल एज अ रिकॉम्बिनेंट क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म भी हुआ और हुआ भी किससे रिकॉम्बिनेंट से भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है ये तीन प्रकार के सेल्स आपको मिलेंगे जिसमें से तीसरा सिर्फ ये वाला है जो हमारे काम का है तो ये बड़े खुश हैं है। ना हमारे पास तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना ही हम तुम्हारी स्लेवरी करेंगे ना ही तुम हमें बायो रिएक्टर में डालोगे कोई बात नहीं हम तुम्हें बायो रिएक्टर में नहीं डालेंगे बट हम तुम्हें मार डालेंगे सो so, हमारे पास कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि हम इसको सिलेक्ट कर सकें और इनको मार सकें ठीक है जनरली हमारे पास ऐसे जीन्स होते हैं ठीक है जनरली जरूरी नहीं कि ये मरे बट इनको सेपरेट आउट कर दिया जाता है उन जीन्स की जिनकी हेल्प से सर्टन जीन्स जिनकी हेल्प से या सर्टन सबस्टांसिस जिनकी हेल्प से दीज टू केसेज कैन बी सेपरेटेड आउट फ्रॉम द थर्ड वन दे आर कॉल्ड सिलेक्टेबल मार्कर्स सिलेक्टेबल मार्कर्स विल हेल्प यू चूज ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ये तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है इसमें तो वैक्टर गया ही नहीं ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट है एंड ऑल्सो हेल्प यू चूज यू नो बिटवीन रिकॉम्बिनेट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट ट्रांसफॉर्मेंट की भी तो दो टाइप है ये यू you नो know, कमीना टाइप है नहीं यार गंदी बातें नहीं लिखनीडमी मेरी वीडियो बैन कर देती है गंदा ये गंदा है ये अच्छा है इनडिसेंट यूज ऑफ लैंग्वेज के लिए तो इसलिए ये गंदा है ये अच्छा है तो भैया इन दोनों को सेपरेट करने के लिए भी सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं आई होप यू अंडरस्टैंड ऑफ सिलेक्टेबल तुम्हें शॉट लेना था चलो चला गया अब तो टू हेल्प ट्रांसफॉर्मर यू नो सिलेक्ट ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मर्स एंड टू सिलेक्ट रिकॉम्बन रिकॉम्बिनेट्स राइट जीन्स इनको फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू में मिलेगा पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाजमेट ये लैब में बनाया गया प्लाज्मिड है एक ओरिजिनल प्लाज्मिड को लेके उसको ट्रांस मतलब यू नो उसमें चेंजेस करके पी 322 बनाया गया था मैं ये भूल गई कि ओरिजिनल प्लाज्मिड किसका था कौन किस किस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड था आई फॉर गॉट सो इट इज फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड पी फॉर प्लाजमेट बी आर फॉर बॉलीवर एंड रॉड्रिक्स जिसने इनको बनाया था 322 ट्वेंटी टू इज द सीक्वेंस इट इज द प्लाज्मिड नंबर उस लैब में बहुत प्लाज्मिड बनाए गए होंगे तो ये उसका नंबर है पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू की फोटो याद रखो पी वाई क्यू आते हैं ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा इसका याद रखो ठीक है इसके पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन्स होते हैं दिस इज द फर्स्ट जीन एम्पिसिन रेजिस्टेंस के लिए एंड दिस इज द सेकेंड जीन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के लिए उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की रिकॉग्निशन साइट होती है जैसे कि ये किसकी कौन सी होती है कहाँ ये भी याद रखना है

एम होता है मल्टीपल क्लोनिंग साइट जहाँ पे छोटे से रीजन में बहुत सारी रिकोगनीशन साइट्स दी होती हैं ठीक है मल्टीपल क्लोनिंग साइट इसमें ई कॉर वन क्ला वन हिंद थ्री तो मैं ई कॉर क्ला हिंद से याद करती हूँ जैसे जय जै हिंद होता है ना वैसे क्ला हिंद से मैं याद करती हूँ ई क्ला हिंद और कौन सा हिंद थ्री देन यहाँ पे आपको रोप मिलता है ठीक है ये क्या कहते हैं प्रोटीन की एक प्रोटीन होता है जो रेप्लीकेशन में हेल्प करता है ठीक है उसमें आपको पी टू का सीक्वेंस मिलता है और यहां पे आपको ओ आर आई का सीक्वेंस मिलता है ये आपको याद करनी है चलो देखती हूँ मेरे को याद है कि नहीं है लेट सी भवम भवी यहाँ टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस है या एम का भी बना सकती हूँ मैं तो एम पी बुक में एम है इधर इधर टेट्रासाइक्लिन है तुम लोग भी मैं क्यों बना रही हूँ तुम्हें क्या लगता है मुझे बहुत ज्यादा शौक है यूट्यूब पे प्रैक्टिस करने का चीजें नहीं मैं चाहती हूँ तुम भी प्रैक्टिस करो मैं चाहती हूँ तुम लोग अपनी अपनी कॉपीज से ध्यान हटा के मतलब अपनी अपनी बुक्स से ध्यान हटा के बुक्स ऑब्वियसली तुम खोल के बैठे हो है ना बैठे हो ना प्लस टू की एनसीईआरटी खोल के वो तो और भी बुरी बात है अगर कोई बुक नहीं खोल के बैठा था तो बुक खोल के बैठा करो उसको बुक को साइड में करो मेरा कॉपी मत करो एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो अगर खुद से अपने नाजुक खातों से नहीं ड्रॉ करोगे तो नीट में कभी फल नहीं मिलेगा इस चीज का समझ रहे हो देन यहाँ पे बंसल आ गया बम वन सल यहाँ पे पी वी यू पी एस टी आ गया पी वी यू पी एस टी पी वी यू ऊपर है ऊपर है, PVU 1, PST. देखना पड़ेगा ऊपर कौन सा मैं भी भूल गई भैया पर ये है कि दोनों वन वन है यहां पे, e यहां पे रोप प्रोटीन के लिए है और इसमें पीवीयू का दूसरा भाई टू पीवीयू टू तो ये टू वाला नीचे है ऊपर वन ही है यहाँ पे वन वन यहाँ पे भी वन वन यहाँ पे ओ आर आई सही सही हाँ, है देखे आओ देखे हा पीवी पी एस टी ठीक है पीएसटी नीचे था बना लिया भवम भवामी अब देखो तुम लोगों को मैं थोड़ा सा यहीं पे समझा देती हूँ क्या होएगा खत्म होने वाला है दो चार स्लाइड्स में तुम्हें क्या लग रहा है क्वेश्चन कराऊंगी उसके बाद एनसीआरटी नहीं पढ़ा रही मैं तुमको जहाँ टाइम लग जाएगा एनसीआरटी खुद पढ़ो सारा हो गया सीक्वेंस एनसीआर का एक्सट्रैक्ट तो मैंने कराई दिया एनसीआर टी है एक बार पढ़ना है वैसे भी तुम एनसीआर तो पढ़नी पड़ेगी अगर तुम टेस्ट देने आ रहे हो मेरा तो भैया एनसीआर तो कम से कम दो बार पढ़ के आना मैं बता रही हूँ तुम लोगों को टी की डायरेक्ट लाइनें छाप दूंगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉल्स कर दूंगी चार लाइनें डाल दूंगी बिल्कुल एनसीआर से तुम लोगों को पता नहीं चलेगा लाइन कहाँ से आई तुम लोग कहते मैडम ने ऐसा तो कुछ पढ़ाया नहीं था ये तो आउट ऑफ सिलेबस है फिर मैं कहूँगी कम टू पेज नंबर यू नो दिस कम टू द फिफ्थ लाइन टिट 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 दो बार पढ़ के आना एनसीआरटी उससे कम में तो आना ही मत टेस्ट ही मत देना उससे कम में तो फायदा ही नहीं है ठीक है अब ये सिलेक्टेबल मार्कर कैसे काम कर रही है ये रेजिस्टेंस 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 टेट्रासाइक्लिन का जीन जो है वो मार्कर के रूप में कैसे काम कर रहा है मान लो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने डाला फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा जीन जैसे एनसीआरटी में शायद यहां पर डाला है तो मैं यहीं पर डालती हूँ मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट बैम एच की हेल्प से काट के यहां पर डाल दिया मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे अगर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने बम या इससे काटा है सेल से काटा है तो टेट्रासाइक्लिन का जीन डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर यही मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट फॉरेन जीन मैंने पी वन या पी की हेल्प से डाला होता तो मेरा एम्पीसिलन का जीन डिस्ट्रॉय हो जाता बट अभी मैंने टेट्रासाइक्लिन का जीन डिस्ट्रॉय कर लिया तो अब ये जो वेक्टर ये जो वेक्टर है ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं दे पाएगा ठीक है अब मैं क्या करूंगी मैं इसको कर लूँगी प्लेट आई विल प्लेट इट ऑन ना प्लेट नहीं ये मेरा वैक्टर आ गया ये मेरा वैक्टर आ गया ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है ना ये मेरा का रेजिस्टेंस जीन आ गया ये एमपी का रेजिस्टेंस है दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट ना घुसाओ है ना तो एक केस ये भी हो सकता है जहां जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसा ही ना हो ये स्लिन रेजिस्टेंस तो रहेगा दोनों में ही ए एम पी आर तो दोनों में ही है इसमें तो कोई चेंज नहीं है यहां चेंज है यहां का जीन है। जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसा ही ना हो टीईटी रेजिस्टेंस अभी बताया था ना दो प्रकार के प्लाज्मिड बन सकते हैं दिस इज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जब जीन ऑफ इंटरेस्ट घुस जाए एंड दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट जहां पे ना घुसे है ना अब तीन प्रकार के होस्ट सेल बनेंगे यह भी बात हुई थी होस्ट सेल वन होस्ट सेल टू होस्ट सेल थ्री होस्ट सेल वन होस्ट सेल टू होस्ट सेल थ्री पहला होस्ट सेल ऐसा होगा जिसमें कोई घुसा ही नहीं वेक्टर ही नहीं घुसा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट तू रिकॉम्बिनेंट की तो बात ही मत सोच तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है दूसरा प्लाज्मिड घुसा अच्छे वाला ठीक है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी था तो दिस इज ट्रांसफॉर्मेंट एंड कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट वाला ट्रांसफॉर्मेंट कॉम्बिनेंट वाला ट्रांसफॉर्मेंट और तीसरा बेचारा मीडियम लेवल पे रह गया घुसा तो सही वेक्टर लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट तो ये ट्रांसफॉर्मेंट तो था बट नॉन ओ स्लाइड खत्म हो गई दोबारा बनाऊ अब चलो तीन प्रकार के सेल्स बन गए वन टू थ्री ये तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है इसकी तो बात ही छोड़ दो ये ट्रांसफॉर्मेंट ये ट्रांसफॉर्मेंट है ना जहां ट्रांसफॉर्मेंट है वहां एम्पी का जीन तो है ही ये मान लो ये के जीन है सिलिन का तो जीन हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया था क्योंकि बैम वन यूज किया है।, है ना अब एक जगह मेरा टेट्रासाइक्लिन का जीन है दिस इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ठीक है दिस इज Gene. तो के लिए तो दोनों के पास है क्योंकि उसको हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया लेकिन एक जगह का का है ट्रांसफॉर्मेंट एंड इज अ रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट इट इज अ ट्रांसफॉर्मेंट बट इट इज अ नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट अब कैसे हमने अपने वाले उसको पकड़ना है हमें कौन सा पकड़ना है हमें यह पकड़ना है यह पकड़ना है कैसे पकड़ेंगे पहले इनको प्लेट कर दो एमपी सिलिन पर प्लेट लो एक प्लेट लो मतलब इनको उगा लो एगरो जेल पे उगा लो और एमपी सिलिन डाल दो एमपी सिलिन यार्पेलिंग गलत होगी एमपी सिलिन डाल दो ना एमपी सिलिन से सबसे पहले तो ये मरेगा नॉन ट्रांसफॉर्मर क्योंकि इसके पास एमपी सिलिन रेजिस्टेंस जीनी में ही है टू विल ग्रो लेकिन अब हम असमंजस में भैया दोनों ग्रो कर रहे हैं हमें ये तो नहीं पता कि जीन ऑफ इंटरेस्ट किसमें है जीन ऑफ इंटरेस्ट किस में नहीं है ना हो हम इसकी एक रेप्लीका प्लेट बना लेंगे यहां पर आई विल रेप्लिका प्लेट है रेप्लिका प्लेट में क्या है मैं यहां पर एक कपड़ा रखूंगी और यही कपड़ा उठा के इसके ऊपर ऐसे छप करके लगा दूंगी तो इसके कुछ पीसीज ऑफ यू नो बैक्टीरिया यहाँ के लग जाएंगे और इसके कुछ पीसेज ऑफ बैक्टीरिया यहाँ के लग जाएंगे तो यहीं पर दो सेम कॉलोनीज बननी चाहिए जैसे यहाँ पे दो कॉलोनीज बन रही है वैसे यहाँ पे दो कॉलोनीज बननी चाहिए बट आई विल प्लेट इट ऑन टेट्रा साइक्लिन अब मुझे बताओ अगर मैंने टेट्रा साइक्लिन पे प्लेट कर दिया तो ये वाली कॉलोनी चलेगी जो सेकंड नंबर की कॉलोनी है ये यहाँ पे चलेगी या ये थर्ड नंबर की कॉलोनी है वो यहाँ पे चलेगी मुझे बताओ बोलो चैट में बताओ अगर मैंने इसको टेट्रा साइक्लिंग पे प्लेट कर दिया तो टू यहां पे उगेगा या थ्री वहां पे उगेगा टेट्रा साइक्लिंग पे कौन उगेगा दोनों में से सिर्फ हाँ वेरी गुड सिर्फ ये उगेगा ना क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस जीन है है ना सो थर्ड नंबर कॉलोनी यहां पे बढ़िया तरीके से उग जाएगी सेकंड उगेगी ही नहीं थर्ड नंबर वाली कॉलोनी उग जाएगी सेकंड नहीं उग पाएगी क्योंकि सेकंड का तो टेट्रासाइक्लिन कट गया है ठीक है तो ये कहेगा मैं आया मैं फर्स्ट आ गया देखो मैं तो इस पर भी उग गया मैं तो इस पर भी उग गया हम कहेंगे तू बाड़ पे जा तू चोर है तू अगर दोनों पे उग जाएगा तो तू चोर है क्योंकि तेरे पास टेट्रासाइक्लिन का भी जीन है तेरा जीन टूटा ही नहीं तो हम अपनी इस वाली प्लेट पे आएंगे और हम इस वाले को उठा के बायो रिएक्टर में डाल देंगे कि भैया नहीं सॉरी सॉरी इस वाले को नहीं इस वाले को आके बायो रिएक्टर में डाल देंगे क्योंकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसके पास सो so, इस तरीके से सिलेक्टेबल मार्कर काम करते हैं लेकिन जो ये पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू का एग्जाम्पल है इसमें दिक्कत ये है कि आपको रेप्लिका प्लेट बनानी पड़ रही है दो जगह प्लेटिंग करनी पड़ रही है सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू सिलेक्ट योर रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट उससे बेटर है पीयूसी एट वैक्टर्स पीयूसी फैमिली होती है की, पे आपको दो प्लेट्स नहीं बनानी पड़ती उसमें क्या होता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैम टेस्ट कहाँ पर होता है मैम टेस्ट कब होगा टेस्ट स्पेशल क्लासेज में होता है स्पेशल क्लासेज आर द क्लासेज दैट आर टेकन ऑन अनकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म नो अन प्लेटफॉर्म ठीक है विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्लस प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे काम करते हैं उसको जानने के लिए आपको कुछ क्लासेस फ्री दी जाती हैं विच आर टोटली कोई कॉस्ट नहीं होता उसको जीरो कॉस्ट क्लासेस होती हैं वो तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होता है आर आई टी यू आर ए डब्ल टी ई डब्ल्यू एल जैसे ही आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हो वहाँ पर मैं लिंक देती हूँ एक दो दिन पहले जैसे अगर मैं कल क्लास लूंगी आपकी तो मैं आपको लिंक डाल दूँगी और कहूँगी कि भैया ये लिंक पर ज्वाइन कर लेना कल इतने बजे सो so, क्योंकि इसका टेस्ट अगर कल तक बन गया मेरे से तो मैं कल टेस्ट ले लूंगी अगर नहीं बन पाया तो फिर मंडे को टेस्ट लूंगी ठीक है वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगी मैं लिंक डाल दूंगी राइट पी वाई क्यों करा रही हूं बेटा वही चीज है जो मैंने बताया लाइक अब एनसीआरटी का एग्जाम्पल था लाइगेट द जीन एट बैम एच वन साइट ठीक है तो टेट्रोसाइकलिंग जो रेजिस्टेंस है वो डिस्ट्रॉय हो गया देन ग्रो द बैक्टीरिया ऑन एम्पीसिल कंटेनिंग मीडियम देखो जो रेजिस्टेंस जिसका खत्म हुआ है जैसे टेक्ट्रा साइक्लिन का रेजिस्टेंस खत्म हुआ है ना इस एग्जाम्पल में तो हमेशा एम्पी सिलिन पर पहले प्लेट करो उसी टाइम टेट्रा साइकिलिंग पर प्लेट मत कर देना नहीं तो हमारा जो यूजफुल बैक्टीरिया है वो मर जाएगा सो so, अगर तुमने टेट्रा साइकिल का रेजिस्टेंस खत्म किया है ना पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू में सो ऑलवेज प्लेट इट ऑन एम्पी सिलिन फर्स्ट ताकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मर जाए ठीक है फिर सिर्फ दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मेंट्स रह जाएंगे एक रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट एक नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट फिर उनको प्लेट करो एम्पी सिलिन पर सॉरी टेट्रासाइक्लिन uh, पे फिर उनको प्लेट करो टेट्रासाइक्लिन पे फिर जब टेट्रासाइक्लिन पे प्लेट करोगे फिर पता चल जाएगा कि टेट्रासाइक्लिन का जीन इनमें से किसके पास नहीं था तो जिसके पास नहीं था वही अच्छा है क्योंकि उसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है क्लियर ट्रांसफॉर्मेंट्स विल सर्वाइव ग्रो द सर्वाइवर्स ऑन टेट्रासाइक्लिन रिच मीडियम रिकॉम्बिनेंट्स विल नॉट सर्वाइव कम्बर सम प्रोसीजर एट इट रिक्वायर्स टू एज इट रिक्वायर्स टू प्लेटिंग्स दो प्लेटिंग्स होती हैं तो भैया दो प्लेटिंग्स यू नो थोड़ा सा इट्स वेरी कंबरसम प्रोसेस सो उससे बेटर है पीयूसी वेक्टर्स पीयूसी वैक्टर्स में क्या होता है देर आर टू जीन्स वन इज एम्पीसिल रेजिस्टेंस एंड सेकेंड इज द जीन फॉर बीटा गेलेक्ट्रोसाइडेस बीटा गेलेक्ट्रोसाइडेज नाम का जो केमिकल होता है वो अगर मैं इसके सराउंडिंग में एक्स गैल नाम का केमिकल डाल दूं तो ये ब्लू कलर देते हैं तो सीधा सा ये बात होता है मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसाती हूं यहां पे बीटा गलेक्टोसाइडेज में अगर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे घुस गया तो बीटा गलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा अगर बीटा गलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा तो ब्लू कलर कॉलोनी नहीं आएगी अगर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं घुसा तो बीटा गलेक्टोसाइडेज बनेगा अगर बीटा गलेक्टोसाइडेज बन गया तो ब्लू कलर कॉलोनी आएगी इसको सिंपल से ऐसे याद रखना है अगर ब्लू कलर कॉलोनी आ जाती है मतलब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट कभी घुस ही नहीं पाया क्योंकि अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट घुस गया तो वो बीटा गिलेक्ट्रोसाइडिस को तो बनने नहीं देगा बीटा गलेक्ट्रोसाइडिस का तो जीन डिस्ट्रॉय कर देगा क्लियर सो so, ये मेन बात है यहां पे ध्यान रखना पीयूसी वेक्टर हैज बोथ एम्पीलिन रेजिस्टेंस जीन एंड जीन फॉर बीटा गलेक्ट्रोसाइडिस जीन इज लाइगेटेड इन सच ए वे दैट बीटा गलेक्ट्रोसाइडिस जीन इज इनएक्टिवेटेड कभी भी एम्पीसिलिन वाली साइड में नहीं डालोगे आप जैसे पीयूसी एट में तो आपके पास चॉइस होती है ना आप एम्पी वाले में भी डाल सकते हो आप टेट्रोसाइक्लिन वाले में भी डाल सकते हो अगर टेट्रासाइक्लिन वाले में डालोगे तो पहले प्लेट एम्पीसिलिन पे कर देना अगर एम्पी वाले पे डालोगे तो पहले प्लेट टेट्रासाइक्लिन पे कर देना यह बात है उसमें तो पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू में तो लेकिन पी यूसी में नहीं है पी यूसी में हमेशा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को ही खत्म करना है हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट वहीं पर ही घुसाना है अपना ठीक है फिर बैक्टीरिया इज प्लेटेड इन एम्पी फिर इसको एम्पी पे प्लेट कर दो जिसमें यह वेक्टर घुसा ही नहीं जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो तो उगी नहीं पाएगा क्योंकि आपने एम्पी सिलेन प्लेट किया तो भैया जिसके अंदर ये प्लाज्मा नहीं गया जिसके पास ये एम्पी सिलन रेजिस्टेंस का जीन नहीं आया वो तो उस मीडियम में उग ही नहीं सकता ना सो वो तो पहले ही खत्म हो गया ठीक है अब दो प्रकार की कॉलोनीज बनेंगी एक वो कॉलोनी बनेगी जिसमें बीटागलेक्ट्रोसाइडेज का जीन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ मतलब मेरा जी ऑफ कभी घुसा ही नहीं तो वो ब्लू कलर की कॉलोनी बन जाएगी दूसरी कॉलोनी बनेगी जिसमें बीटा गलेक्ट्रोसाइडेज का जीन डिस्ट्रॉय हो गया मतलब मेरा जीन ऑफ घुस गया वो व्हाइट कलर की कॉलोनी बन जाएगी तो हमको व्हाइट कलर की कॉलोनी चूज कर लेनी है जीन इज लाइक इन सच अ वे दैट बीटा गलेक्ट्रोसाइडेज इज इन एक्टिवेटेडेड इन पहले सो दैट ऑल नॉन ट्रांसफार्मेंट्स ट्रांसफार्मेंट्सो एक्स गैल इज एडेड विच गिव्स ब्लू कलर विद बीटा गलेक्टोसाइडेस

जो कि प्लांट्स में नेचुरली एक डिजीज कॉज करता है जिसको क्राउन गॉल डिजीज बोलते हैं ठीक है ट्यूमर्स बना देता है उसकी लीव्स पे, क्योंकि उसके पास एक प्लाज़मिड होता है जिसको टी आई कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज़मिड कहते हैं हम क्या करते हैं इस प्लाज्मेट का जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं डिस्ट्रॉय ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन ऐसे वेक्टर को डिसआर्म्ड वेक्टर बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन की जगह हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसा देते हैं तो अब वो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन की जगह हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डिलीवर करके आ जाता है प्लांट्स में तो ट्यूमर तो कॉज नहीं कर पाता डिसआर्म्ड हो गया वेक्टर ठीक है बल्कि हमारा ही जीन दे आएगा वहां पर जाके सिमिलरली भी एनिमल्स में डिजीजेस कॉज करते हैं कैंसर वगैरह करते हैं ठीक है लेकिन रेट्रो वायरस को भी हम डिसम कर देते हैं उसका कैंसर कॉजिंग जीन काट के फेंक देते हैं और वहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसा देते हैं ठीक है एनिमल्स में रेट्रो वायरसेस कॉम्पिटेंट होस्ट कैसे बनाएं मेकिंग द होस्ट सेल्स कॉम्पिटेंट टू टेक अपने ये डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए बात हो रही है ठीक है जी सो आप क्या करते हो पहले अपना सेल लेते हो पहले उसको आइस पे डालते हो फिर एकदम से उसको हीट शॉक देते हो 42 डिग्री सेल्सियस फिर से उसको आइस में डाल देते हो इससे आपका सेल जो है वो ज्यादा कॉम्पिटेंट हो जाता है डीएनए को टेक करने के लिए होस्ट सेल जो होता है ये इसको बोलते हैं डाइवेलेंट आयन से ट्रीट करना डाइवेलेंट आयन से ट्रीट करना ठीक है माइक्रो इंजेक्शन ये डायरेक्ट मेथड्स हैं सारे जहां आपको वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ रही ठीक है माइक्रो इंजेक्शन और बायोलिस्टिक जीन गन याद रखो गन प्लांट्स पे चलानी है एनिमल्स पे चलाओगे तो जेल हो जाएगी तो माइक्रो इंजेक्शन जो है वो एनिमल्स पे चला सकते हैं क्या है डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रो पिपेट एक सेल को पकड़ो उसको माइक्रो पिपेट ऐसे घुसा दो उसके अंदर उसके न्यूक्लियस के अंदर घुसा दो और अपना डायरेक्टली जीन ट्रांसफर कर दो माइक्रो इंजेक्शन ठीक है जीन गन प्लांट्स पे होती है बायोलिस्टिक्स भी कहते हैं अपने डीएनए को कोट कर लो एक गोली के ऊपर ऐसे यू नो जैसे बुलेट होती है ठीक है प्लांट सेल्स के साथ किया जाता है ये प्लांट सेल्स और बोम्बाडेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन जो वो गोली है पिस्टल की गोली है वो गोल्ड या टंगस्टन की होगी उसके ऊपर डीएनए रैप कर दो फिर एक मशीनरी से वो जो छोटी सी गोली है वो ठिक करके प्लांट सेल के अंदर डाल दो ठीक है जिसके अंदर डीएनए कोट हो रखा है वो डीएनए होपफुली वहाँ पर अनकोट होकर प्लांट के सेल के डीएनए से मर्ज हो जाएगा होपफुली सो so, ये भी हीट एंड ट्रायल मेथड है ऑपटेनिंग अ फॉरन जीन प्रोडक्ट तो ये है लास्ट एक्चुअली रिकॉम्पोनेट प्रोटीन इज एनी प्रोटीन इन कोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अटीरोलोगस होस्ट कोई भी प्रोटीन बनाने वाला जीन अगर एक हेटीरोलोगस होस्ट में एक्सप्रेस होता हैोगस होस्ट मतलब डीएनए इसके पास ठीक है है तो मतलब कोई भी एक्स वाई जेड होस्ट उसमें कोई प्रोटीन बनाने वाला कोई जीन डाल दो मैं यहां पे और ये जीन यहां पे प्रोटीन बनाता है एंड दिस जीन इज अ फॉरेन जीन इट इज नॉट दिस सेल्स जीन तो ये फॉरेन जीन हो गया ठीक है तो ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हो गया आई होप यू अंडरस्टैंड मुझे नहीं पता मैं कितना क्लियर कर पा रही हूँ तुम लोगों को ये बात मान लो मेरी बॉडी में कोई प्रोटीन बन रहा है लेकिन जिस जीन से वो बन रहा है वो जीन मेरा खुद का नहीं है वो एक कुत्ते का बिल्ली का ईकोलाई का प्लांट का किसी का भी जीन हो सकता है सो so, वो प्रोटीन जो मेरे जीन से नहीं बन रहा मेरी बॉडी में किसी और की जीन से बन रहा है दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ठीक है इसमें हम दो प्रकार के कल्चर सिस्टम्स पढ़ेंगे कॉन्टीन्यूस कल्चर एंड बैच कल्चर ठीक है कॉन्टीन्यूस कल्चर में क्या होता है आप बायो रिएक्टर के अंदर ऊपर से फूड जो क्या कहते हैं फ्रेश मटीरियल फ्रेश ब्रॉथ ये सब डालते रहोगे और नीचे से बैक्टीरिया को निकालते रहोगे ठीक है उससे क्या होगा बैक्टीरिया ओवर क्राउड नहीं होगा और आप कॉन्टीन्यूसली आपको प्रोडक्ट मिलता रहेगा ठीक है बैक्टीरिया प्लस उसका वेस्ट प्लस बैक्टीरिया ने जो प्रोटीन बनाया है सब कुछ हम धीरे धीरे नीचे से निकालते रहेंगे और ऊपर से हम नया फ्रेश मटेरियल डालते रहेंगे यूज मीडियम इज ड्रेंड आउट फ्रॉम वन साइड वाइल द फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम द अदर कल्चर इज मेंटेन्ड इन द लॉन्ग फेज फॉर अ लॉन्ग टाइम देखो वैसे बायो रिएक्टर्स का आपको ऐसे सिग्मोइड कर देखने के लिए मिलेगा बैक्टीरियल ग्रोथ का ठीक है लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम में आपको ये ऐसे देखने के लिए मिलेगा लॉन्ग फेज में बहुत सारी तक आप कॉन्टिन्यू कर सकते हो इसको लार्ज बायोमास लीडिंग टू हायर हील्स ठीक है एक्सपोनेंशियल फेज में ही रहेगा वो क्योंकि आपने देखो ना यहां बैक्टीरिया कम था यहां बैक्टीरिया बढ़ गया एकदम से ग्रोथ ज्यादा हो गई आपका प्रोटीन भी ज्यादा निकलने लग गया अब यहां पे ये फेज क्यों आता है लॉग जो ये जो प्लेट्यू क्यों आता है प्लेट्यू इसलिए आता है कि खाना कम हो गया जगह कम हो गई बैक्टीरिया भीड़ भाड़ में आ गया ऑक्सीजन नहीं प्रॉपरली मिल रही तो यू नो ग्रोथ कम हो जाती है हम ये फेज आने नहीं देंगे जो भीड़ भाड़ वाला बैक्टीरिया उसको निकालते रहेंगे ठीक है फालतू का वेस्ट मटेरियल निकालते रहेंगे टॉक्सिक नहीं होने देंगे फ्रेश मटेरियल डालते रहेंगे तो हम कॉन्टिन्यूसली इस फेज में मेंटेन कर सकते हैं अंडरस्टूड बायो रिएक्टर्स आर कंटेनर्स इन विच लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस पी वाई क्यू है क्या बोलते हैं उन कंटेनर्स को बायो रिएक्टर्स बोलते हैं बायो रिएक्टर्स आर वेसल्स इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेडेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स देखो तुमने रॉ मटेरियल डाला मान लो तुमने ग्लूकोज डाला या कोई भी चीज जो बैक्टीरिया खाता हो बैक्टीरिया ने उसको खाया और बैक्टीरिया ने इसको खा के तुम्हें प्रोटीन दिया तो यही तो हो रहा है रॉ मटीरियल इज बींग कन्वर्टेड इन टू योटीन्स बायोरक्टिस दो प्रकार के होते हैं सिंपल स्टर्ड टैंक एंड स्पार्ज स्टर्ड टैंक एक ही फर्क होता है इसमें स्पार्जर होता है इसमें स्पार्जर नहीं होता स्पार्जर क्या होता है नीचे एक प्लेट सी लगी होती है जिससे बबल्स के रूप में एयर निकलती है बहुत तेजी से ऐसे उसको स्पार्जर बोलते हैं इसमें स्पार्जर है उसमें स्पार्जर नहीं लगा हुआ ये सिंपल स्टर्ड टैंक है जो कि कर्व्ड बेस के साथ होता है कर्व्ड बेस फॉर बेटर मिक्सिंग इसमें क्या होता है आपका ब्रॉथ होता है हर जगह ब्रॉथ क्या है फूड मटेरियल फॉर द बैक्टीरिया प्लस जो भी है मिनरल्स जो भी उसको चाहिए हॉर्मोन्स जो भी उसको चाहिए बीच में आपका एक मोटर लगी होती है उससे ये ऐसे से घूम रहा होता है ये क्या है ये प्रॉपर मिक्सिंग के लिए ठीक है दीज आर इम फॉर प्रॉपर मिक्सिंग ताकि कहीं पे भी एनरोबिक कंडीशन ना बन जाए कहीं पे भी ऐसा ना हो कि जैसे बैक्टीरिया मान लो यहाँ पे ग्रोथ कर गया बहुत ज्यादा ग्रो कर गया तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे फूड की कमी हो जाए ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो सब कुछ ऐसे घूमता रहेगा ताकि सबको इवनली ऑक्सीजन मिलती रहे फूड मिलता रहे ठीक है तो इसके लिए इम्पेलर होंगे जो सबसे ऊपर वाला इंपेलर है वो यहाँ पे फ्रॉथ बनेगी झाग बनेगा उसको तोड़ने के लिए फॉर्म ब्रेकर हो यह होगा यहाँ पे ठीक है ये पोर्ट होगा एसिड बेस पीएच कंट्रोल के लिए ठीक है आप देखोगे पीएच सही जा रहा है नहीं जा रहा तो आप एसिड डालोगे बेस डालोगे कुछ डालोगे यहाँ पे पीएच कंट्रोल करने के लिए ठीक है और यहाँ से आप स्टेराइल एयर धीरे धीरे यहाँ से आती रहेगी एयर यहाँ से निकलती रहेगी ये एयर यहाँ से ऐसे मिक्स होती रहेगी सो so, ये सिंपल स्टर्ड है स्पार्ज्ड में क्या है इम्पेलर तो इसमें है लेकिन एक सिंपल सा इम्पेलर है ठीक है दूसरा जो मेन मिक्सिंग हो रही है वो इम्पेलर से नहीं हो रही यहाँ पर इम्पेलर है बट मेन मिक्सिंग स्पार्जर से हो रही है स्पार्जर एक एसिड नीचे फ्लैट ऐसे प्लेट है जिसके अंदर से बबल्स निकल रहे हैं एयर के कंटिन्यूसली तो उन बबल्स की वजह से बहुत ज़्यादा मिक्सिंग हो रही है प्रॉपर ठीक है बबल्स का जो सरफेस एरिया होता है उससे ओटू बढ़िया तरीके से ट्रांसफर हो जाती है हर तरीके से बबल्स इंक्रीज द ओटू ट्रांसफर एरिया ऑल्सो बबल्स सरफेस को उबड़ खाबड़ कर देते हैं तो यहाँ से भी गैस एंटर कर सकती है आपके ब्रॉथ में गैस एंट्रेनमेंट हो जाती है एंटेनमेंट मतलब अंदर घुस जाती है ठीक है इंक्रीज सरफेस एरिया क्यों ऐसे ऐसे करने के लिए तो यहां से गैशियस एक्सचेंज इजली हो पा रहा है सो so बस यही फर्क है सिंपल स्टर्ड में और स्पार्ज वाले में सिंपल स्टर्ड जो है बेस कर्व्ड है प्रॉपर मिक्सिंग के लिए और उसमें मिक्सिंग इंपेलर से हो रही है इसका बेस फ्लैट है और इसकी मिक्सिंग सारी एयर से हो रही है ज्यादातर क्लियर दो में क्वेश्चन आया था डाउन प्रोसेस पर डाउन प्रोसेस क्या होती है देखो किसी भी चीज के दो फेजेज हैं ये जो हमने प्रोसेस किया है पहले तो बायोरिएक्टर वाला फेज है जिसमें बैक्टीरिया आपके प्रोटीन को बना रहा है इसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज बायोसिंथेटिक फेज जहां जीन एक्सप्रेशन हो रहा है यहां पे, जीन एक्सप्रेशन हो रहा है फिर आपको यहां से मिल रहा है यहां पे मिल रहा है आपको बैक्टीरिया प्लस बैक्टीरिया का वेस्ट प्लस मिल रहा है हमारा प्रोडक्ट ऐसा सब कुछ मिल रहा है अब इस प्रोडक्ट को आपने निकालना है यहाँ से इससे सेपरेट करना है सारी चीज़ों से बैक्टीरिया से वेस्ट से फिर इसको प्योरीफाई करना है ताकि इसमें कोई इम्प्योरिटी ना रह जाए फिर इसमें प्रेजर्वेटिव मिलाना है इसमें प्रेजर्वेटिव मिलाना है इन सब को मिला के जो ये प्रोटीन ये यहाँ से जो प्रोडक्ट का ये काम है ना साफ करना सेपरेट करना प्रेजर्वेटिव मिलाना ये डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहलाता है सो so, इस पूरे प्रोसेस के दो स्टेप्स हैं पहला स्टेप बायोसिंथेटिक फेस भी बोलते हैं इसको ठीक है अप स्ट्रीमिंग पता नहीं इसको कहते हैं या नहीं कहते है? मुझे याद नहीं है अपस्ट्रीमिंग कहते हैं या नहीं चेक करना पड़ेगा ठीक है बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं जहाँ जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है और आपका प्रोटीन एक्चुअली में बन रहा है बट जब आपने एक बार निकाल लिया यहाँ से तो बायोसिंथेटिक फेज ख़त्म हो गया अब प्रोटीन आपका मिक्सड है गंदी चीज़ों से बैक्टीरिया की पॉटी से मतलब ये वेस्ट मटीरियल से बैक्टीरिया की डेड बॉडी से बहुत कुछ से तो उसको सेपरेट करके प्योरीफाई करके प्रिजर्व करना ये डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है क्वेश्चन आ गया था कि डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस सो आंसर था एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस चैप्टर खत्म वाई क्यू करे पी वाई क्यू करें, करें। सैंपलिंग पोर्ट सैंपलिंग पोर्ट वे एक बच्चा पूछा बेटा सैंपलिंग पोर्ट कुछ नहीं है थोड़ी सी जगह है बायोडियक्ट्रिक के अंदर थोड़ी सी जगह जहाँ से आप थोड़ा सा से सैंपल निकाल के देख सकते हो सैंपल निकाल के देख सकते हो मतलब ब्रॉथ निकाल के देख सकते हो कि भैया पी एस सब सही है सब सही चल रहा है ना बैक्टीरिया की ग्रोथ तो सही हो रही है ना तो सैंपल निकाल के देख सकते हो यहाँ से नहीं हम शुरू करेंगे हम चाहते हैं नए क्वेश्चन पहले टूल्स ऑफ रिकॉमिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी से क्या क्वेश्चन आए थे नी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में आए थे ना तो पहले तो मैं यही कराऊंगी मैम स्पास्ट ज्यादा अच्छा है या सिंपल वाला ज्यादा अच्छा है एनसीआरटी में ऐसे तो नहीं लिखा कि ज्यादा अच्छा कौन सा है हाँ हाँ 2021 पीवाई क्यू करें क्या सोचते रहते हो तुम लोग आओ नीट ट्वेंटी ट्वेंटी स्ट्रैंड्स ऑन जेल स्टेन विद इथीडियम ब्रोमाइड वेन व्यूड अंडर यूवी रेडिएशन अपियर एज कितने आसान क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं मैम ये फोर्टी फाइव डेज़ का सब्सक्रिप्शन लेने से क्या मुझे पूरा क्रैश कोर्स मिलेगा आपका बेटा मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों का क्रैश कोर्स कंप्लीट कराऊँ प्लस पे और यहाँ पे ठीक है बट मैं ये नहीं कहती कि मैं थर्टी एट के थर्टी एट चैप्टर्स इन फोर्टी फाइव डेज़ में करा ही दूंगी प्लस पे मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कुछ मैंने यूट्यूब पर करा दिए देखो मैं तुम्हारा ये जो क्या बोलते हैं रिविजन है वो तो मैं कराऊँगी ही कराऊँगी ठीक है चाहे मेरे को प्लस पे कराना पड़े चाहे स्पेशल क्लासेस पे कराना पड़े जैसे मुझसे हो पाएगा गिर के पढ़ के जैसे हो पाएगा तुम्हारा सिलेबस तो मैं इस बार कराऊंगी क्योंकि मेरे को इस बार नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू में तीन सौ साठ नंबर चाहिए हजारों बच्चों से ऐसे नहीं मेरे को एक आधे बच्चे से चाहिए मेरे को उन बच्चों से भी चाहिए जिन्होंने मेरे से प्लस पे नहीं पढ़ा मेरे को नहीं पता उसके लिए जो हो सके करूंगी जहां तक ये फोर्टी फाइव डेज वाले सब्सक्रिप्शन की बात है तो लोग इतना चिंता क्यों कर रहे हो मतलब दो सौ सत्तर रुपये तुम गोलगप्पा खा आते हो इतने का यार तुम लोग को बहुत खेरी है दो सौ सत्तर रुपये में मैम आपका पूरा तो हो जाएगा ना भैया वहाँ पे इतना बंदा क्रैश कोर्स करा रहा है तुम सबका क्रैश कोर्स सकते हो मेरा भी देख सकते हो जितना मैं वहां पे कराऊंगी सब तुमको मिल जाएगा हीरो लोग ब्राइट ऑरेंज बैंड्स आगे चलेंगे दो हजार इक्कीस का क्वेश्चन पहले तो ये सात क्वेश्चन ही करते हैं ना मैम क्या अभी भी क्रैक हो सकता है फोर्टी परसेंट हुआ है सिलेबस अगर बायो का फोर्टी परसेंट हुआ है तो बायो में तो क्रैक करा सकती हूँ मैं अभी भी प्लाज्मिट पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू हैज रिस्ट्रिक्शन पी एस टी वन रिस्ट्रिक्शन जीम जीन ए एम पी रेजिस्टेंस दैट कन्फर्स एम्पीलिन इज यूज फॉर इंसर्टिंग अ जीन फॉर बीटा गलेक्टोसाइडेज प्रोडक्शन एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिट इज इंसर्टेड इन ई क्वलाई समझ गए क्वेश्चन क्या है पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू लो यहाँ पे सिलिन का रेजिस्टेंस का जीन है उसमें पी एस टी वन है पी एस टी वन से काट दो इसको और बीटा गलेक्टोसाइडिस का जीन घुसा दो इसमें घुसा दो ये बीटा बीटागलेक्टोसाइडिस का जीन घुसा दो और अब इसको ई कोलाई में घुसा दो देन इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ नॉवल प्रोटीन विद ड्यूअल एबिलिटी इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पीसीन रेजिस्टेंस द ट्रांसफॉर्म्ड सेल विल हैव एबिलिटी टू रेजिस्ट एम्पीसीन एज वेल एज प्रोड्यूस galactoside, it इट lead टू लाइसिस ऑफ होस्ट सेल तुम लोगों को कुछ ना समझ में आ रहा है इसमें तुम ये बताओ सबसे जायज स्टेटमेंट तुम्हें क्या लग रही है इसमें सबसे जायज स्टेटमेंट तुमको क्या लग रही है इसमें बेटा क्या सबसे जायज स्टेटमेंट ये नहीं है इट विल नॉट बी एबल टू कॉन्फर resistance टू द होस्ट cell. एक बार अगर एम्पीसिलिन का जीन तुमने काट दिया तुमको नहीं पता कि है ना इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ प्रोटीन विद ड्यूअल एबिलिटी तुमको नहीं पता कि बीटा के इलेक्ट्रोसाइड के ड्यूएलेबिलिटी होता है कि नहीं कि ये ड्यूअल एबिलिटी क्या है कोई बात नहीं पर तुमको ये तो पता है ना कि एम्पीसिलिन का जीन कट गया अगर एम्पिसलिन का जीन कट गया तो एम्पीसिल का रेजिस्टेंस तो हो होएगा ही नहीं ना तुमको ये नहीं पता कि पता नहीं मैम होस्ट सेल का लाइसिस ही ना हो जाएगा ही। हमने कहाँ पढ़ा है ऐसा कि होस्ट सेल का लाइसिस हो जाएगा कहीं भी नहीं पढ़े है ना आगे चलो नीड 2021 का ही क्वेश्चन है अ स्पेसिफिक रिक्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय एंडो टू मास्क कट्स एट टू मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनए इज वेरी इजी फ्री के चार नंबर बोलो पैलिंड्रोम सीक्वेंस बोलते हैं पॉली ए टेल कहा पड़े हो तुम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पड़े हो जब इसका एम आर एन ए की जब हो रही होती है उसको सुंदर बना रहे होते हैं तो पॉली ए टेल लगाते हैं कैप लगाते हैं मिथाइल वाली कैप लगाते हैं है ना ओक फ्रेगमेंट भी वहीं पढ़े हो आगे नीट 2020 चलो नीट 2020 भी करना है क्या कि 21 वाले पहले कर ले चलो एक तो कर लें नीट 2020 हजार बीस आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ना ये नहीं करेंगे इट वॉज नॉट अ गुड क्वेश्चन बकवास क्वेश्चन था ये इसका आंसर मुझे पसंद नहीं आया था इसलिए बकवास था तो मैं दो के कराती हूँ पहले पहले क्या 2021 के कराऊंगी बाकी तुम खुद ही करोगे ये प्रोसेसिस ऑफ रीकॉम इंडियन टेक्नोलॉजी यहाँ से आया था फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन पी सी आर पॉलीमिरे चेन रिएक्शन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन में था बोलो वो 2020 का जो क्वेश्चन था ना उसका आंसर स्टिकी एंड्स है बट इट्स नॉट जो डी आंसर है उसका बट आई डोंट लाइक द क्वेश्चन एंड द आंसर डी -E, ए डी नेचुरेशन एनीलिंग एक्सटेंशन देखो कितना सिंपल यार तुम्हें नंबर देने के लिए तैयार बैठा है ये चैप्टर ठीक है अगर तुम ये 45 डेज वाला प्लान ले रहे हो ना और या फिर अगर तुम एक साल का भी प्लान ले रहे हो नेक्स्ट साल के लिए प्रिपेयर करने के लिए नेक्स्ट 2023 के लिए प्रिपेयर करने के लिए तो यू कैन यूज़ कोड आर आई टी यू ठीक है फॉर टेकिंग सब्सक्रिप्शन टू गेट डिस्काउंट्स जो भी इस वक्त मैक्सिमम चल रहे हैं। नहीं ट्वेंटी ट्वेंटी वन ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट ठंडी दारू से क्या बाहर निकल आता है नहीं सब्सक्रिप्शन लेने पर सिर्फ बायोलॉजी नहीं पढ़ पाएंगे बेटा सब्सक्रिप्शन लेने पर तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ पाओगे और सभी टीचर्स से पढ़ पाओगे जो भी प्लस पे पढ़ा रहे हैं ट आउट करना है इक्कीस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर इज नॉट एन एप्लीकेशन नॉट था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर देखो तुम्हें अलग से पता चल जाएगा तुम्हें अलग से पता चल जाएगा प्योरीफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्योरीफाई तो हम कुछ भी नहीं करते सब कुछ डी से ही रिलेटेड है डीएनए का जीन म्यूटेशन ढूंढना मोलिकुलर ऑफ डिजीजेस करना जीन एम्प्लीफिकेशन करना प्रोटीन को प्योरिफाई थोड़े पे कर देंगे हम आगे चलेंगे नीट 2021 अगेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीकेशन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट में शुरुआत में नहीं मेटेन किया गया तो कौन सा स्टेप अफेक्ट होगा विशाल मेहरा तुम्हारा क्वेश्चन बेटा एवोल्यूशन के फर्स्ट पहले दो पेजेस में दिया हुआ है एनसीआर टी पढ़ो तुम्हारी एनसीआरटी क्या कह रही है बताओ डी नेच इफेक्ट होगा ना क्योंकि डी नेचुरेशन के लिए ही हाई टेम्परेचर चाहिए सबसे हाईएस्ट इसी स्टेप के लिए चाहिए ना और यही शुरुआत में स्टेप है नेक्स्ट नीट 2020 चलो 20 हम करेंगे ही नहीं सो यू गेट एन आइडिया ऑफ वट काइंड क्वेश्चन हैव कम इन दिस चैप्टर आपने साथ के साथ मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं और इसमें तो बहुत पी वाई क्यूज हैं इस पी पी टी में तो सो so, ये पी वाई क्यूज आपके हवाले हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर आप टेलीग्राम पर आ जाइए ज्वाइन कर लीजिए आर आई टी यू आर ए डबल टी ई डब्ल्यू एल वहाँ पर आपको ये पी डी एफ मिल जाएगा आप डाउनलोड कर लीजिएगा सो so, अब आप लोगों का टेस्ट लेना है मैंने इसका मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाला चैप्टर कराना है तुम्हें तो पता है एप्लीकेशन से कितने क्वेश्चन आए थे पाँच 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 भी कम नहीं होते भैया तो सात और पाँच बारह क्वेश्चन आए थे सिर्फ बायोटेक से सो so, बायोटेक अपनी रट लो ईजी यूनिट है ज़्यादा मार्क्स हैं और क्या चाहिए हमें एज नीट एक्सपीरेंट्स ईजी यूनिट से ज़्यादा मार्क्स आ जाए नाचते घूमे हम है ना सो so, इसके बाद में तुम्हें तो ये चैप्टर कराऊंगी यूट्यूब पे मोस्ट प्रबली ऑन मंडे और ट्यूसडे मैं आप लोगों को शेड्यूल दे दूंगी थैंक यू सो मच बाय होपफुली यू हैव अ गुड वीकेंड अगर मेरा टेस्ट हो गया वीकेंड पे फिर तो नहीं ही हो पाएगा तुम्हारा तो गुड बट uh, देखते मैं तुम लोगों को भी बताती हूँ ठीक है टेलीग्राम पे इसी क्लास के नीचे मैं लिंक डलवा दूँगी स्पेशल क्लास का यहाँ से देख लेना थैंक यू